देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है yes, अच्छा।, अच्छा देखो लास्ट दिन हम लोगों ने इंडी से स्टार्ट किया था उसमें एग्जाम्पल फोर के बाद हमें आगे करना था ठीक है तो पहले वो कंप्लीट करते फिर उसका बाकी जो एक्सरसाइज है उसको चेक करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल फोर के बाद से शायद करना था मैंने ऐसे ही लिख रखा था चलो एक बार देख लेते हैं तो मुझे याद आ जाएगा देख लेते हैं ये वाला हाँ ये देखो एग्जाम्पल फोर ठीक है अच्छा यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा देखो हम यहाँ पर करके दिखाए ठीक है थीके? ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टू ठीक है ये क्या है ए ए इसके साथ लिखा हुआ है मतलब इनटू है ठीक है इन टू को तो लिखने का जरूरत नहीं होता है ना जैसे अगर टू टू एक्स लिखते हो तो वो टू इन टू एक्स ही होता है ठीक है तो ए टू दावर हाफ इं टू ए टू दावर टू बाई थ्री ए टू दी पावर टू बाई थ्री इन टू सिक्स इन टू ए टू दावर ये माइनस है ठीक है माइनस सेवन बाई थ्री है ठीक है तुम लोग को इसमें बुक में क्लियरली दिख जाएगा माइनस सेवन बाई थ्री है ठीक है ये हम बता देते अगर नहीं समझ में आता है तो अपने आप एक बार लिख लो क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग को लिखना ही वैसे भी अभी जो हम करवा रहे हैं तो माइनस है ये ठीक है बाद में कन्फ्यूज हो जाओगे ए टू दि पावर माइनस फाइव बाई थ्री है और ए टू दी पावर थ्री बाई टू है ठीक है हम लोग को बोला है ए का वैल्यू अगर फोर होगा तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ठीक है तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखो गुड मॉर्निंग प्रीतम गुड मॉर्निंग अच्छा ये देखो हम लोग पहला यही वाला क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा ही है और कुछ नहीं अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले तुम लोग को क्या करना चाहिए पता है डिजिट डिजिट मल्टीप्लाई करना चाहिए तो ऊपर में कितना हो जाएगा डिजिट का वैल्यू डिजिट मतलब जो वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है टू है और यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर सिक्स है कितना होगा बताओ ट्वेल्व थ्री ट्वेल्व ए क्यू 12 a क्यूब हो जाएगा अच्छा a क्यूब क्यों हो रहा है क्योंकि अगर बेस क्या है सेम है और पावर क्या है बेस uh, सेम है तो पावर क्या हो जाएगा अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा बोलो इंटू ना प्लस नॉट इन टू प्लस होता है ना वन बाई टू देखो थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ तो चलना पड़ेगा ना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है क्या बोला था मैंने मल्टीप्लीकेशन में भी वैल्यूज बढ़ते हैं एडिशन में भी वैल्यूज बढ़ते हैं ठीक है थीके? तो अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर क्या हो जाएगा Add हो जाएगा तो एड करो तो एड करने से ये वाला ऐसे ठीक है ये ऐसे इतना डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं होता है लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग समझ रहे हैं ना तो लिख रहे हैं जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं हो इस वजह से नीचे क्या हो जाएगा नाइन इंटू ये क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने से पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करो नाइन है और इधर कुछ नहीं है मतलब वन है कितना होगा नाइन इंटू वन नाइन होगा ठीक है और ए टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू ठीक है अब इसका वैल्यूज कैलकुलेट करो यहाँ पर हो गया ट्वेल्व डिवाइडेड बाई नाइन और बाकी यहाँ पर लिख ले अलग करके लिख सकते हैं ना अगर देखो ट्वेल्व ए लिखा हुआ है और नीचे थ्री लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना ट्वेल्व बाई थ्री इन टू ऐसे लिख सकते हैं ना अलग से दिखाने के लिए तो मैंने यहाँ पर देखो अलग कर लिया और कुछ नहीं ए टू दी पावर अब ये नीचे देखो कितना है एलसीएम कितना होगा हाफ है टू थर्ड है और माइनस सेवन बाई थ्री है तो टू और थ्री का एलसीएम कितना होगा सिक्स होगा ठीक है अब टू डिवाइडेड बाई सिक्स डिवाइडेड बाई टू मतलब नीचे से डिवाइड होता है और ऊपर वाले वैल्यू से इन टू होता है तो ये थ्री हो गया प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री टू हो गया टू इंटू टू फोर हो गया ठीक है सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री टू होता है टू इंटू माइनस सेवन ये माइनस फोर्टीन हो गया प्लस माइनस में माइनस हो गया अच्छा ये भी नीचे सिक्स हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर हो गया माइनस टेन ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा नाइन ठीक है नाइन हो गया अब तुम लोग वैल्यूज देखो कितना हो जाएगा ट्वेल्व बाई नाइन और ए टू दी पावर ये कितना फोर प्लस थ्री सेवन सेवन माइनस फोर्टीन कितना होता है माइनस सेवन ठीक है और नीचे कितना हो जाएगा नीचे यहाँ पर ये सिक्स है और माइनस टेन प्लस नाइन कितना हो जाएगा वन हो गया ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो कितना दिख रहा है ट्वेल्व बाई नाइन ठीक है और ये ए टू दी पावर है और नीचे भी ए टू दी पावर है और डिवाइड फॉर्मेट में है अगर डिवाइड फॉर्मेट में होगा तो पावर क्या होना चाहिए कॉपी देख के ही बताओ अगर डिवाइड फॉर्मेट में है तो पावर इसीलिए कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए बार बार बोल रहा है बाद में तुम लोग फिर ढूंढोगे इतने सारे जगह पे कहाँ पर क्या पढ़ना है तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर पावर हमारा अगर हमारा डिवाइड फॉर्मेट में सेम बेस में है तो हमारा पावर क्या होगा अरे बोलो पावर क्या होगा माइनस माइनस तो, करो ए टू पावर माइनस सेवन बाई सिक्स और माइनस क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स ठीक है अब इसको कैसे लिखोगे ट्वेल्व बाई नाइन और ए टू दी पावर इसका एलसीएम करो ठीक है एलसीएम तो कर सकते हैं ना हम लोग ठीक कोई जल्दी करेगा कोई आ, मतलब धीरे धीरे करेगा लेकिन सही होना चाहिए ठीक है अगर ग्रीप नहीं है धीरे धीरे करो हो जाएगा माइनस सेवन हो गया माइनस वन हो गया माइनस होता है अच्छा माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा एट हो गया है ना ट्वेल्व बाई नाइन ए टू दावर माइनस एट बाई सिक्स हो गया ठीक है माइनस एट बाई सिक्स हो गया अब हम लोग का यहाँ पर ए का वैल्यू बता दिया था कितना फोर बता दिया था ठीक है फोर बता दिया था तो कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो ट्वेल्व बाई नाइन और फोर टू दी पावर माइनस एट बाई सिक्स देखते हैं यहाँ पर इन्होंने आ, ये देखो एक्चुअली हम कहा करें यहाँ कर ले चलो ट्वेल्व बाई by... टू फोर टू दावर माइनस एट बाई सिक्स ठीक है अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे फोर को हम लोग लिख सकते हैं टू टू दावर टू माइनस एट बाई सिक्स और मैंने लास्ट दिन बोला था जितने भी पावर होंगे अगर मा... मल्टीपल पावर है वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे मल्टीपल पावर अगर है तो वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ठीक है तो ये कितना हो ट्वेल्व बाई नाइन है इंटू टू टू दी पावर टू इंटू माइनस एट बाई सिक्स ठीक है तो ये हो गया माइनस एट बाई थ्री तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है यहाँ पर फोर बाई थ्री तो हम लोग भी कर सकते हैं थ्री से अगर डिवाइड करेंगे तो ये फोर हो गया ये थ्री हो गया इंटू टू टू दी पावर ये कितना हो जाएगा टू टू दी पावर ये हो गया माइनस एट बाई थ्री चेक करते है? सही बात की नहीं चेक करते हैं। अच्छा इसका वैल्यू तो सिर्फ वन बाई थ्री लिख रखा है क्या गलत हो गया अभी सिर्फ मैम वन बाई सिक्स हाँ? जेटा तो माइनस होगा ना माइनस ओ अच्छा अच्छा यहाँ माइनस होगा हाँ यहाँ माइनस होगा तब ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना अच्छा ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तब ये कितना हो जाएगा ये एट के जगह कितना हो माइनस सिक्स हो जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा अच्छा देखो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा ही नहीं मैंने वहां पर गलत कर दिया ये हो गया ए टू दी पावर माइनस वन तो ट्वेल्व बाई नाइन इंटू वन बाई ए माइनस वन का भी हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था तो ट्वेल्व बाई नाइन इंटू वन बाई फोर तो ये कितना हो जाएगा थ्री बाई नाइन मतलब थ्री फिर भी शायद मेरा आंसर टैली हुआ 1/3 होगा आंसर देखते हैं हां 1/3 है ठीक हाँ, है 1/3 है तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा मैम हां ये फार्मूलाটা একবার টি বলে দিবেন ওই -7/6 থেকে যেটা माइनस করলেন 1/6 ওটা কি ফর্মুলাটা একবার টি বলবেন তো ফর্মুলা নয় তো ওটা তো নরমাল ডিভাইড করা এনসিএম করা লসাগু করা যেটাকে বলে ছয় আর সেটা বলছি না বলছি যে ছিল না

মাইনাস সেভেন বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই ওটা তো ফর্মুলা এটু দি পাওয়ার এম ডিভাইডেড বাই এটু দি পাওয়ার এম দেন এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এটা আগের দিন লেখালাম যে মাইনাস হবে এই যে এখানে এটা মাইনাস ছিল এটা এইটার দুটো পাওয়ার ছিল ডিভাইড ফর্ম্যাটে তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে অপরে এই সরি মাইনাস হয়ে যাবে অপরে গেলে তাহলে এম মাইনাস এন হয় তো এটা এম মাইনাস এটা इन अच्छा ये ये देखो, हम एक बार ये वाला तुम लोग को करके दिखा देते हैं शायद यहाँ से अगर सभी ने लिख नहीं पाया ठीक है चलो एक बार फटाफट हम दिखा देते हैं ठीक है ये देखो आई थिंक तुम लोगों ने समझ लिया है फिर भी अगर नहीं समझ में आया अगेन देख लो यहाँ पर बेटर होता हम पहले यहाँ पर कर लेते वहां पर गलत हो गया अच्छा देखो ये टू टू दी पावर टू इंटू ए टू दी पावर हाफ ठीक है फिर क्या बोला है ए टू दी पावर टू बाई थ्री फिर क्या बोला यहाँ पर सिक्स इंटू ए टू दी पावर ए टू दी पावर माइनस सेवन बाई थ्री ठीक है माइनस सेवन बाई थ्री और यहाँ पर दे रखा है नाइन इंटू ए टू दावर माइनस फाइव बाई थ्री इंटू इन टू यहां पर हो जाएगा ए टू दी पावर थ्री बाई टू ठीक है ए टू दी पावर थ्री बाई टू मैंने क्वेश्चन लिख लिया इफ ए इक्वल फोर इसे सिंप्लीफाई करना है ठीक है तो हम लोग कैसे करेंगे पहले ये ये सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया टू इंटू वन इंटू सिक्स तो ये हो गया ट्वेल्व ठीक है और नीचे ये नाइन हो गया बाकी ए को हम एक जगह पे लिख लेते हैं तो ए टू दावर वन बाई टू क्योंकि देखो इन टू होने से प्लस होता है प्लस टू बाई थ्री और प्लस माइनस ऑफ सेवन बाई थ्री ठीक है ये समझाने के लिए किया कोई अगर डायरेक्टली माइनस लिख सकते हो तो लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जिनको नहीं समझ में आता है फॉर्मूला देखो प्लस 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 और ये हो गया माइनस फाइव बाई थ्री और यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस थ्री बाई टू ठीक है अब इसको सॉल्व करके हम लोग का आया ट्वेल्व बाई नाइन इंटू ए टू दी पावर यहाँ पर एलसीएम में हम लोग का सिक्स आएगा तो ये हो गया थ्री प्लस फोर माइनस फोर्टीन और ये नीचे आ जाएगा ए टू पावर ये सिक्स हो जाएगा माइनस टेन प्लस नाइन ठीक है अच्छा अब इसको अगर हम लोग लिखे ट्वेल्व बाई नाइन इन टू ए टू दी पावर ये हो गया माइनस सेवन बाई सिक्स ठीक है और नीचे आ जाएगा माइनस वन बाई सिक्स ठीक है अब ये ट्वेल्व बाई नाइन ये ऐसे रहा और ये क्योंकि डिवाइड फॉर्मेट में है तो पावर हमारा माइनस हो जाता है तो माइनस ऑफ माइनस वन बाई सिक्स क्योंकि ये पावर माइनस था वो बात अलग है बाकी फॉर्मूला हमारा बोल रहा है कि माइनस करो दोनों पावर को तो दोनों पावर में अपना अपना जो है साइन है दोनों में माइनस है लेकिन दोनों पावर को हमें माइनस करना है अब ये हो जाएगा ट्वेल्व बाई नाइन इंटू ए टू दी पावर ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस में तो माइनस सेवन माइनस ऑफ माइनस वन ठीक है तो ये हो गया ट्वेल्व बाई नाइन इन टू ए टू दी पावर ये हो गया माइनस सिक्स बाई सिक्स तो ये वन हो जाएगा ठीक है तो ट्वेल्व बाई नाइन इंटू ये देखो यहां पर लिखते हैं ट इंटू ए टू दी पावर माइनस वन ठीक है तो 12 बाई नाइन इंटू ए का वैल्यू 4 बताया था 4 टू दी पावर माइनस वन ठीक है अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वेल्व बाई नाइन इंटू वन पावर वन फॉर्मूला जो था ए टू दावर माइनस एम का मतलब 1 बाई ए टू पावर एम होता है अब ये देखो ये कैंसिल आउट करो 3 और ये हो गया 3 वन थर्ड ठीक है तो मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में इसको दिखाया इसलिए इतना बड़ा हुआ है बाकी एम के लिए तुम लोग प्रैक्टिस के साथ कोशिश करना जितना कम इससे लिख पाओ ठीक है मतलब जितना जल्दी इसे सॉल्व कर पाओ मैंने एक एक स्टेप दिखाई ये सब जो है ओरली भी कर सकते हो ठीक है अगर कोई कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो फिर धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस के साथ अपना जो है स्पीड बढ़ा सकते हो तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ नंबर वाला ठीक है ये हम लोगों ने देख लिया नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर फिफ्थ नंबर वाला ये सिंपलीफाई करने के लिए बोला इसको भी लिख लेते यहाँ पर करेंगे फिर समझ में नहीं आएगा यहाँ पर लिख लेते क्वेश्चन को क्या बोला है देखो x टू दी पावर a y टू दी पावर माइनस b होल टू दी पावर थ्री ऐसे लिखा हुआ है x टू दी पावर a y टू दी पावर माइनस b होल टू दी पावर क्यूब ठीक है फिर इन टू है कुछ नहीं यहां पर ऐसे दे रखा है मतलब ये इन टू होता है ठीक है फिर x टू दी पावर थ्री y टू दी पावर टू x टू दी पावर थ्री y टू दी पावर टू होल टू पावर क्या है माइनस ए सही लिखा मैंने हाँ होल टू दी पावर माइनस ए है हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला कैसे करेंगे ये देखो यहाँ पर क्या है ये है x टू होल टू थ्री टू दी पावर माइनस बी होल टू दी पावर थ्री ठीक है अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पर चलो एक फार्मूला लिखवा देते हैं अगर ऐसा है मैंने बोला था ना और भी कुछ फार्मूला हमारा एड ऑन होगा तो फिलहाल मेरा यहाँ पर जगह लिख रहे तुम लोगों ने अगर पेज छोड़ा है तो ठीक है नहीं तो एक अलग पेज बना लो वहां पर हम लोग और दो चार फॉर्मूला लिखेंगे जैसे मान लो एक्स इन टू वाई टू दावर एम है तो x में भी m आएगा और y में भी m आएगा ठीक है कैसे जैसे देखो अगर ऐसा है टू इंटू थ्री टू दी पावर टू इसका मतलब क्या है टू का भी दो टू के पावर पावर में भी टू जाएगा थ्री के पावर में भी टू जाएगा ठीक है वही चीज यहाँ पर हमें करना है तो x टू दी पावर m का मतलब दोनों में ही पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अब ये देखो ये क्वेश्चन इसी के बेस में है ठीक है तो हम लोग करके देखते हैं अगर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो x के साथ a और थ्री मल्टीप्लाई होने से थ्री ए और y में b और थ्री माइनस बी और थ्री मल्टीप्लाई होने से माइनस थ्री बी अब इन है तो इन लिखो थ्री और माइनस ए मल्टीप्लाई होने से माइनस थ्री ए ठीक है और टू और ए मल्टीप्लाई होने से माइनस टू ए अच्छा अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे अब देखो यहाँ एक्स है यहां भी एक्स है बता सकते हो कितना होगा बोलो एक्स एक्स का बेस जो है दो जगह पे है बेस सेम है पावर जो है वो क्या होना चाहिए अगर मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर क्या होना चाहिए मतलब इसको ऐसे लिखो ना अलग अलग ऐसे करके लिख लो समझ में आएगा हाँ बोलो एड होना चाहिए एड होना चाहिए थ्री ए प्लस ऑफ माइनस थ्री है ठीक है ये इतना अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन अभी लिख लो अपने प्रैक्टिस के लिए ठीक है और ये भी देखो माइनस थ्री भी प्लस ऑफ माइनस टू ए हो गया ठीक है अच्छा अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे अब ये क्या हो जाएगा थ्री ए माइनस थ्री ए और ये हो गया वाई टू पावर माइनस थ्री बी माइनस टू अब ये थ्री तो ए और माइनस थ्री ए कैंसिल टू ए तो मुझे बताओ ये एक्स टू पावर जीरो क्या होगा बोलो ये भी एक वाइटल पॉइंट है तुम लोग का इस चैप्टर का अपने कॉपी से देख के हम्म बोलो वन वन होगा, one होगा? इन वाई टू दी पावर माइनस थ्री बी माइनस टू ए बाकी जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया अब वन के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई भी वैल्यू क्या आता है वन इंटू ये करने से क्या आएगा इसका ओवरऑल क्या लिखे वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वाई टू दी पावर माइनस थ्री बी माइनस टू है यही आना चाहिए अब देखते हैं क्या इनका आंसर था माइनस थ्री बी माइनस टू है अब ये देखो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं मान लो तुम लोग के पास ऑप्शन में ये नहीं दे के, ये आंसर वाला ऑप्शन दे दिया तो कैसे तुम लोग समझोगे कि आंसर सही वा है कि नहीं अब यहाँ से माइनस कॉमन लेने से क्या लिख सकते हैं ये बताओ अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या लिखेंगे थ्री बी और भी ये माइनस minus... हाँ प्लस टू ए अब इसको माइनस पावर वाला फॉर्मूला होता है ना उसमें ट्रांसफर करो वन बाई ए टू दी पावर एम में ट्रांसफर करो इसको देख देख के मुझे बताओ क्या होना चाहिए डिवाइड तो होगा अब क्या क्या लिखे ऊपर क्या लिखे वन वन नीचे y, y 3B थ्री बी प्लस टू ए ठीक है ये हो जाता है अब देखो यहाँ पर वही वाला किया हुआ है तो अगर ऑप्शन में ये है तो इसको ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है अगर नहीं है देन ट्रांसफर करना पड़ेगा ठीक है अब देखो यहाँ पर मेरा स्टेप्स काफी ज्यादा हो रहा है तो तुम लोग ऐसे घबराओ मत ये तो हम तुम लोगों के लिए छोटा छोटा पॉइंट करके लिख रहे हैं अदरवाइज तुम लोगों को अगर समझ में आता है डायरेक्टली कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन सा वाला स्टेप जैसे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है ये ये मैंने समझाने के लिए किया एक, एक ही तरह का बेस का दो डेटा है यहाँ पर वाई एक ही तरह का बेस दो डेटा है फिर ये मैंने यहाँ पर दिखाया है यहाँ से डायरेक्टली ये वाला कर सकते हैं हम लोग ठीक है लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर है प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग भी कर पाओगे ठीक है तो ये इस तरह से करना पड़ेगा आई थिंक समझ में आया इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो नहीं तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा वाला बोलो ये हाँ ये वाला फॉर्मूला ये देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट दिन एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर ये ये वाला मैंने लिखवाया था ये है देखो पहले ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है कि नहीं ये देखो तब समझ में आएगा ए टू दी पावर माइनस एम इक्वल टू वन बाई ए टू दी पावर एम ये फॉर्मूला लिखे थे ये देखो लास्ट दिन मैंने लिखवाया था ठीक है अगर नहीं लिखे हो तो अभी लिखो ये एक फॉर्मूला होता है अब इस फॉर्मूला से देखो कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे यहां पर इसके साथ कंपेयर करो यहाँ पर ए के जगह पे क्या है अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ए के जगह पे क्या है हमारा तो ओवरऑल ये आंसर आया था ना फिर इससे ये कैसे आया वो चीज डाउट हो रहा है तो मुझे बोलो यहाँ पर ए कौन सा है क्योंकि हम लोग फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर रहे हैं वाई वाई ठीक है ये ए है अच्छा और एम कौन सा है एम मतलब ये पूरा पावर में जो है वो पूरा एम है ठीक है अब यहाँ पर दो तीन डेटा लिखा हुआ है वो बात अलग है ये पूरा एम है ठीक है अब हम लोग इसको कैसे पॉजिटिव पावर में ट्रांसफर करेंगे अगर नेगेटिव होता है है ना इसे पॉजिटिव करने का बेनिफिट मान लो अगर टू टू दावर माइनस टू है इसको तुम कैलकुलेटर पे नहीं कर सकोगे लेकिन टू टू पावर टू को कर लोगे तो हमें इसको पॉजिटिव पावर में ट्रांसफर करना चाहिए ताकि हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाए इस वजह से ये फॉर्मूला आया था ठीक है तब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला बोल रहा है वन लिखो और डिवाइड कर दो जो लिखा हुआ है उसको तो माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा ठीक है तो वन लिखेंगे और वाई टू दी पावर फिर कितना लिखेंगे वाई टू दी पावर एम लिखेंगे यहाँ पर एम कितना है थ्री बी प्लस टू है तो वो लिखा बोलो समझ में आया या फिर और एक बार बताए ठीक है? है या फिर डाउट है बोलो डाउट है तो और एक बार बता देंगे समझ अच्छा ठीक है अच्छा चलो अब हम लोग जिसको भी जो डाउट है ना अभी पूछ लो तब तुम लोग को प्रैक्टिस में आसानी रहेगा ठीक है तो ये देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं इसको लिखे पहले सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले यहाँ पर ए टू दावर फोर बी एक्स टू पावर सिक्स ठीक है ए टू दावर फोर बी एक्स टू पावर सिक्स और ये रूट दे रखा है ठीक है ये रूट दे रखा है रूट में सिक्स लिख रखा है ठीक है रूट में सिक्स लिख रखा है मतलब ये जैसे थर्ड रूट होता है सेकेंड रूट होता है ये है सिक्स रूट ठीक है और उसके बाद ए दी पावर टू बाई थ्री इंटू ए टू दावर टू बाई थ्री इंटू एक्स टू दावर माइनस वन ये लिख रखा है फिर दिया है टू दावर माइनस बी ये होल टू दावर माइनस बी और हम लोग को बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं बोला है मतलब सिंप्लीफाई करना है ठीक है अब हम लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं अब देखो ये है ए टू दी पावर फोर भी यहां पर है एक्स टू दी पावर सिक्स और यहाँ पर सिक्स रूट है अब हम इसका फॉर्मूला तुम लोग को बताते हैं मैंने लास्ट दिन बताया था एगेन बताते हैं मुझे लगता है लास्ट दिन बताया था मैंने ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला सेकंड वाला अगर तुम लोग फॉर्मूला लिखे हो कॉपी में सेकंड वाला फॉर्मूला को थोड़ा देखो सेकंड वाला फॉर्मूला था आर एथ रूट ऑफ ए जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर वन बाई आर ये वाला यूज करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर फिर से लिख देते हैं आर ए रूट ऑफ ए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू पावर वन बाई आर ठीक है 8, तो यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा बोल सकते हो पहले तो हमारे पास इस तरह का कुछ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो इसको क्या लिख सकते हैं पहले ना हम पूरा में लिख लेते हैं ऐसे करके ठीक है ये चलेगा बोलो यहाँ पर ए का मतलब तो ये पूरा है तुम लोग अगर ऐसे मानोगे कि ए का मतलब ये ए है ऐसा बात नहीं है ठीक है इसको हम चेंज कर दे देखो ये तो मेन फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा आर एथ रूट अब एक्स लिख लेते हैं तो एक्स टू दी पावर वन बाई आर हो गया ना तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा वैल्यू के ऊपर तो सिक्स रूट है तो हम लोग अलग अलग क्यों लिखे पहले इसके साथ लिखेंगे ना बोलो बात समझ में आया यहाँ पर ए का मतलब ये नहीं है ये वाला ए यहाँ पर ए का मतलब ये पूरा बोलो बात समझ में आया ए के जगह कुछ और लिख दो पी लिख दो क्या फर्क पड़ता है फॉर्मूला समझाने से मतलब है देखो एक ही बात है ऐसे लिखो ऐसे लिखो बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला लिखते वक्त तो हमें एबीसीडी कुछ तो यूज करना पड़ेगा तो मैंने ए यूज किया था अब यहाँ बाई चांस क्वेश्चन में ए आ गया तो ये तो पूरा मल्टीप्लीकेशन है ये पूरा वैल्यू के ऊपर वन बाई सिक्स है ना बोलो समझ में आ रहा है क्या हो गया अरे बोलो समझ में आया कि नहीं अब इसको क्या करेंगे अब इस हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोलो नेक्स्ट बोलो क्या करना पड़ेगा ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला देखो हम बार बार लिख लिख के दिखा रहे हैं तो तुम लोग को कितना लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा समझ में आ रहा है अगर ये चैप्टर करना है तो, तो ये पावर जितना भी रहेगा सब मल्टीप्लाई हो जाता है ठीक है पावर जितना भी रहेगा सब मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा तो मुझे बोलो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे a टू दी पावर 4b होल टू दी पावर कितना लिखेंगे 1 by 6 है ना और x टू दी पावर सी हम बोलो है डायरेक्ट तो कोट्टवर a टू दी पावर 2 थर्ड होल टू दी पावर माइनस बी और एक्स टू दी पावर माइनस वन होल टू दी पावर माइनस बी देखो हम तो चाहेंगे तुम लोग डायरेक्ट ही करो लेकिन पहले समझ लो ठीक है नहीं तो बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए तो ये देखो ये कौन सा वाला अगर ए बी होल टू दी पावर एन है तो ए टू दी पावर एन इन टू बी टू दी पावर एन होगा ना वही वाला चीज क्या है अब ए के लिए तुम लोग ए मत सोचो ठीक है हम एक्स वाई लिख देते हैं चलो एक्स वाई टू दी पावर एन का मतलब एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर एन ठीक है अब पावर जितने भी रहेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बोलो क्या होगा तुम लोग अगर मेरे साथ बोल बोल के कर लोगे ना तो फिर तुम लोग को और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा तो मुझे बोलो कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से क्या लिखेंगे मैम a to the power 4b by 6 हाँ by 6 ठीक है by 6 लिख लो या फिर one one by 6 एक ही बात है ठीक है अच्छा फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे six into मतलब six by six. उसके बाद वाला ए टू पावर ये क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस टू बी बाई थ्री करेक्ट और इस ये वाला एक्स टू दी पावर बी बी ठीक है माइनस वन माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स टू दावर बी हो जाएगा अच्छा अब ये कितना हो गया ए अब ये देखो ए और ए वाला हम लोग ये दो पावर को क्या कर सकते हैं यहाँ पर ए के बेस में एक है यहाँ भी ए के बेस में है तो फिर हम लोग इसको कंबाइन कर दे कंबाइन कर दे क्योंकि हमें तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा ना तो फिर ये क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर फोर बी बाई सिक्स और ये क्या लिखेंगे अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस ऑफ यहाँ माइनस है लेकिन उसका ध्यान हमें रखना चाहिए ठीक है तो मैंने प्लस लिखा और पावर लिख दिया जो कि माइनस वैल्यू में था फिर इन अब x टू दी पावर ये दोनों को भी हम लोग लिख सकते हैं ना ये सिक्स बाई सिक्स का मतलब वन हो गया या फिर अगर नहीं समझ में आता है तो सिक्स बाई सिक्स रख देते हैं प्लस बी कर देते हैं प्लस हो गया अच्छा अब आगे इसको सॉल्व करो अब यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा सिक्स और थ्री में एलसीएम सी सिक्स होगा फोर बी और ये टू माइनस फोर बी हो गया ठीक है अच्छा ये क्या हो जाएगा ठीक है अच्छा अब ये क्या हो गया ए टू दावर जीरो पावर वन प्लस बी अच्छा जीरो बाई सिक्स कितना होता है बोलो जीरो बाई सिक्स कितना होगा वन जीरो बाई सिक्स वन कैसे एटर माने तो छून्य शून्य ना जीरो बाई सीरो सिक्स जीरो होगा और एक्स टू दी पावर वन प्लस बी ठीक है अच्छा समथिंग टू दी पावर जीरो क्या होता है समथिंग टू दी पावर जीरो और ये हो गया x टू दी पावर वन प्लस बी क्योंकि वन के साथ कुछ भी दुनिया में मल्टीप्लाई करो वो उतना ही होता है ठीक है अगर वन के साथ तुम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई वन के साथ अगर वन करोड़ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वन करोड़ ही रहेगा तो ये एक्स टू दी पावर वन प्लस बी हो गया एक बार आंसर देख लेते हैं? हाँ अब तुम लोग बताओ कहीं पर भी कोई डाउट है तो हम बता देते कोई भी कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है दिमाग में कि क्या हुआ कैसे हुआ कोई भी प्रॉब्लम हम बता देते हैं थोड़ा सा टाइम देते हैं तुम लोग सोच के बताओ अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाएंगे मैम हाँ बोलो मैम वो जो ऊपर में जो है a टू बाई थ्री इंटू एक्स माइनस वन होल माइनस बीच उसके नीचे उसके नीचे ये वाला हाँ कर सकते कर सकते मतलब तुम बोल रहे हो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे वन बाई ए टू दावर टू थर्ड इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन होल टू पावर बी ये बोल रहे हो तो यस मैम हाँ कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते आराम से कर सकते हैं ऐसा कर सकते हो अगर ऐसा करोगे तो ये वाला ऊपर चला जा जाएगा ये वाला फॉर्मेट जो है इसके बाद अगर ऐसा करते हैं चलो ऐसा भी होगा क्यों नहीं होगा हर तरह से हो सकता है अगर ऐसा करते हैं तो ये वाला स्टेप के जगह मेरा ये वाला स्टेप आ जाएगा देन ये जो है सेम नीचे का ये ऐसे ही रहेगा ये फिर माइनस बी के जगह ये कैसे आ जाएगा देखो फिर इसके बाद वाला स्टेप कुछ इस तरह से दिखेगा हम लोगों को ये हो जाएगा वन बाई ए टू दी पावर टू बी बाई थ्री इंटू एक्स टू दी पावर माइनस बी बोलो ये होगा की नहीं ए टू दावर टू बी बाई थ्री इंटू एक्स टू दी पावर माइनस बी इसके बाद ऐसा हो जाएगा अगर तुमने ऐसा किया है तो ऐसा दिख रहा होगा ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने yes, है ना तो फिर ऊपर तो यही वाला रहेगा ये वाला जो मैंने जिस तरह से किया है फोर बी बाई सिक्स इंटू एक्स टू दावर वन और नीचे हो गया ए टू दी पावर टू बी बाई थ्री इंटू एक्स टू दावर माइनस बी ठीक है अब क्या करोगे तुम अगर ऐसे किए हो तो इसके ये और ये पावर माइनस कर दोगे मतलब फोर बी बाई सिक्स माइनस टू बी बाई थ्री बेसिकली फोर बी बाई सिक्स को अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये टू बी बाई थ्री आएगा देखो समझ में आता है कि नहीं ये टू बी बाई थ्री आएगा तो ये दोनों पावर माइनस होने से जीरो हो जाएगा देखो इस तरह से भी होगा ए टू दी पावर यहां पर दिखाते हैं ये देखो अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये हो गया देन ए टू दी पावर टू बी बाई थ्री ठीक है और ये भी हो गया ए टू दी पावर टू बी बाई थ्री और ये हो गया एक्स टू दी पावर वन प्लस बी ये और भी जल्दी हो जाएगा ठीक है ये ये मेथड से और भी जल्दी होगा तो टू बी बाई थ्री माइनस टू बी बाई थ्री अगर हम लोग इस तरह से अप्रोच लेते हैं ना तो और भी जल्दी हो जाता है ये देखो ये सही है तो तुम लोग भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो देखो मुझे भी बताओ कि किससे जल्दी हो रहा है ये काफी कम लाइन में ये वाला सॉल्व हो गया तो बाकी समझ में आया कैसे करके करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही करके किया तो भी ठीक है

फॉर्मूला तो फिर अच्छा बोलो अब समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो ये फॉर्मूला में डाला गया है ना ये देखो ये ये वाले फॉर्मूले में दिया गया है ऐसे भी चलेगा कोई मतलब ठीक है हर, हर तरह से कर सकते लेकिन ये बल्कि शॉर्टकट है ये बल्कि शॉर्टकट है मतलब जल्दी होगा तो इस तरह से सॉल्व होगा बोलो समझ में आया अगर इस तरह से कर रहे हो तो कैसे होगा समझ में आया या फिर कोई भी डाउट कोई भी लाइन में कि कैसे नहीं कैसे हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देंगे बोलो अच्छा तो समझ लेना चाहिए मुझे कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ नहीं बोल रहे हो ठीक है सेवेंथ वाला देखते हैं देखो ठीक है यहाँ पर क्या बोला है एक्स टू दी x एक्स x फाइंड एक्स बोला है क्या क्या दिया है देखो एक्स x इक्वल x क्या दे रखा है एक्स x होल टू दी पावर एक्स ऐसे दे रखा है और बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालो ठीक है अब हम लोग कैसे कर सकते हैं देखो मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था कि अगर कभी भी रूट ऐसा दे रखा है तो यहाँ पर कितन, कितना रूट है वो नहीं बताया जैसे सिक्स रूट थर्ड रूट फोर्थ रूट तो ये कौन सा रूट होता है बोलो ये मैंने बहुत बार बोला है रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस बहुत बार बोला है अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इम्प्लाइड कितना होता है जैसे अगर वन बोल रहे हैं तो इम्प्लाइड है किसके आगे टू होता है ना तो इस इसका यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब टू है तो ये x इन, तो इन टू ये क्या लिखेंगे x टू पावर फिर अगर ये टू है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हाँ बोलो बोलो वन बाई टू एक्स टू दावर वन बाई टू वन बाई टू और ये x है और ये हो जाएगा x टू दी पावर वन बाई टू लेकिन इसके पूरे पावर में अगेन x है तो वो लिखना पड़ेगा वो तो क्वेश्चन है कि अगर इसके पावर में फिर से x है तो हमें लिखना पड़ेगा अब दोनों साइड बेस सेम है दो बेस सेम है मल्टीप्लाइड में है तो पावर एड हो जाता है पावर क्या क्या है पहले बताओ एड तो कर देंगे पावर क्या क्या है एक्स तो सॉरी इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब तो वन है इम्प्लाइड है ना अच्छा इसको कैसे लिखेंगे इसको भी लिख सकते वन प्लस वन बाई टू फिर लिख देते हैं होल टू दी पावर एक्स ठीक है power, X, अच्छा अब इसको सॉल्व करो ये कितना हो जाएगा थ्री बाई टू इसको सॉल्व करो ये भी कितना हो जाएगा थ्री बाई टू होल टू पावर एक्स ठीक है अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है एक्स का वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे एक्स का वैल्यू वन ऐसा क्यों ऐसा क्यों लिखेंगे ठीक है तो उसके लिए पहले एक बार देख लेते हैं एक्स का वैल्यू वन है कि नहीं फिर हम बता रहे हैं वहां से कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स का वैल्यू वन अब देखो तुम लोग इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर एक्स टू दी पावर ए है और एक्स टू दी पावर बी है ठीक है ये फॉर्मूले में एड करो ठीक है हम यहाँ पर लिखते हैं मेरा ये सेवेंथ नंबर के बाद हम लिखते हैं एथ नंबर फॉर्मूला ठीक है

पर ये और ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू है इसका भी वही वैल्यू है इसका मतलब पावर भी इक्वल होगा सोचो क्यों ऐसा हो रहा है इसका लॉजिक सोचो अगर टू टू दी पावर थ्री है तो इधर भी कितना होना चाहिए इधर फिर टू टू दी पावर थ्री होगा तभी ना वो इक्वल होगा ठीक है तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर हम लोगों का ये इक्वल है तो इसका मतलब पावर भी इक्वल होगा ठीक है पावर भी इक्वल होगा भले ही बी के फॉर्मेट में क्यों ना लिखा हुआ हो ठीक है तो एक्स इक्वल टू तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर देखो कुछ नहीं है मतलब वन है ठीक है और ये दोनों साइड बेस इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं वन इक्वल टू एक्स या फिर एक्स इक्वल टू वन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला ही होता है ठीक है ये एक फॉर्मूला होता है बाकी देखो यहाँ पर आ, किया है इस तरह से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कैसे सॉल्व कर सकते हो ये डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इसके बाद कौन सा स्टेप कर सकते हो पता है एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू इक्वल टू एक्स टू दी पावर अब जैसे मैंने सिखाया था पावर मल्टीप्लाई कर लो थ्री एक्स बाय टू तब भी तुम लोग को इसी फॉर्मुले में ट्रांसफर होना पड़ेगा देन इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री एक्स ठीक है अब हमें बोला था एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये सिक्स एक्स इक्वल टू सिक्स हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू सिक्स बाई सिक्स यानी वन हो जाएगा बात एक ही है लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा टाइम ज्यादा लगेगा ऐसे भी कर सकते हो मतलब तुम लोग सोच सकते हो ना कि मैम हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई थ्री एक्स बाई टू हो जाएगा लेकिन अगेन ये वाले फॉर्मुले में तुम लोग को आना ही पड़ेगा कि अगर ये एकस और एकस बेस सेम है तो पावर हमारा इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो और हो गया अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया उससे एक्स का सॉल्व करके वैल्यू वन आया इससे बढ़िया है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि हम लोग तो एमसीक्यू करेंगे ना हमारा सॉल्व उतना नेसेसरी नहीं होता है कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया ठीक है फिर भी मैंने दोनों तरह का ही दिखाया अब मुझे बोलो क्या तुम लोग का इस पे कोई डाउट है अगर डाउट है तो पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन दिमाग में अराइज हो रहा है या नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हो हाँ, और ये वाला जरूर ऐड कर लो ये फॉर्मूला डाउट है नहीं है और ये लास्ट ये वाला एथ नंबर यहाँ पर के का वैल्यू बोला है तुम लोग मुझे बताओ ये आंसर कैसे होगा ठीक है ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो मुझे एट्थ नंबर वाला तुम लोग सॉल्व करके बताओ रूट ओवर ऑफ नाइन टू पावर माइनस सेवन रूट ओवर ऑफ थ्री टू पावर माइनस फाइव इक्वल टू थ्री टू दी पावर के हमें बोला है के कितना होगा ये बता दो के कितना होगा ये बता दो ठीक है तो कैसे सॉल्व करोगे करो सॉल्व कैसे करोगे पहले रूट रूट <laughs> आगे कौन हमारे साथी साथ ही करो ना रूट नाइन को क्या लिख सकते हो बताओ वन बाई टू तो वन बाई टू ना नाइन टू दी पावर वन बाई टू दी पावर वन बाई टू माइन हाँ लेकिन इसको और और भी क्या लिख सकते हो तुम लोग बताओ जो मतलब इंडी सीखने के पहले तुम लोग के पास अगर रूट फोर होता था तो तुम लोग क्या लिखते थे ओ, तो स्क्वायर into... मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं ये बताओ ना डायरेक्ट थ्री लिख सकते हैं कि नहीं अगर रूट नाइन है मतलब अगर डायरेक्ट थ्री लिखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी होगा और कुछ नहीं क्या हम लोग इसको डायरेक्ट थ्री लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहे तो देखो अलग अलग तरीका है वो कर सकते हैं ये देख ऐसे कर सकते ये तो फॉर्मूला हो गया है ना लेकिन इसको डायरेक्टली अभी हम लोग थ्री लिख सकते हैं कि नहीं इससे बताओ डायरेक्टली थ्री लिख सकते हैं ना मतलब हम तुम लोग को थोड़ा सा जो है फास्ट करने का तरीका बता रहे हैं कि हर जगह फॉर्मूला यूज तभी करेंगे जब हमें जरूरत होगा अदरवाइज हम लोग इसको डायरेक्ट थ्री नहीं लिख सकते हैं रूट ओवर अब तुम लोग जैसे मान लो रूट ओवर ऑफ 140 कितना बोले 144 है तो उसको 121 है तो क्या लिखते हो कैलकुलेटर यूज करके 11 नहीं लिखते हो 11 11 मतलब ही तो ये होता है ना स्क्वेयर सेकंड रूट ठीक है अच्छा बोलो कोई आंसर नहीं दे रहे हो ठीक समझ में आया कि नहीं समझ में आया एम एम लोग दो तरह से लिख सकते हैं ठीक है तो 9 टू दी पावर ठीक है हम फॉर्मूला बेस्ड ही दिखा देते एक बार ठीक है क्योंकि वो तुम लोग को नहीं पता होता है अच्छा अब इसको क्या लिखेंगे बताओ अपने आप अप, मेरे साथ-साथ लिख अपने कॉपी में भी लिखो और मुझे भी बताते जाओ क्या लिख रहे हो अब इसको क्या लिखोगे 3 टू दी पावर मैम 1/2 बाय सर बाय -5

और ये हो गया टू दी पावर माइनस सेवन अगर हम लोग इसको डायरेक्ट थ्री लिख लेते ना तो हमारा जल्दी होता वही चीज हम तुम लोग को बताना चाह रहे कि या इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क ठीक है तुम लोग को नॉलेज होना चाहिए देखो नॉलेज हमें पूरा होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है एक्चुअली क्यों ऐसा होता है लेकिन जहां पर हम लोग स्मार्टली काम कर सकते वहां स्मार्टली करेंगे ये देखो इससे तीन थ्री लाने में हमारा कितना सारा स्टेप्स लग जाएगा अगर हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं ठीक है अभी के लिए नहीं बोल रहे हम एग्जाम के लिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि फॉर्मूला सीखा तो फॉर्मूला पे ही करेंगे ऐसा मत सोचो ठीक है तुम लोगों को स्मार्टली टाइम जो है टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना भी जरूरी होता है ना आंसर सही करने के साथ साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ये इंटू कर लो हाफ इंटू माइनस ऑफ फाइव ठीक है थ्री टू दी पावर के अच्छा अब इसको क्या लिखोगे अब मैंने बोला था ना जितने भी पावर होंगे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ठीक है ये माइनस है ना प्लस माइनस है इसीलिए मैंने माइनस को ब्रैकेट में रखा थ्री इंटू हाफ इंटू माइनस ऑफ फाइव और ये हो गया थ्री टू दी पावर के अब इसको सॉल्व करो टू टू कैंसिल ये कितना बचे बचेगा माइनस सेवन और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस फाइव बाई टू और ये हो गया थ्री टू दी पावर के अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएगा प्लस माइनस सेवन प्लस माइनस फाइव बाई टू ठीक है थ्री टू दी पावर के अब हम जो बात बताना चाह रहे थे ना अगर तुम लोग इसको डायरेक्टली थ्री लिखते तो तुम लोग इसको थ्री टू दी पावर माइनस सेवन कहाँ कर लेते पता है तुम लोग का ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे हो जाता सोच के देखो डायरेक्ट ऐसे होता कि नहीं ये तीन स्टेप हमें नहीं जरूरत होता सोचो एक बार ये तीन स्टेप का कोई जरूरत नहीं होता अगर रूट नाइन को तुम लोग डायरेक्ट थ्री लिख लेते तो तुम लोग लिखते थ्री टू दी पावर माइनस सेवन और इसको क्या लिखते थ्री टू दी पावर हाफ ज्यादा से ज्यादा एक लाइन लगता फिर 3 7 और ये माइनस फाइव बाई टू मतलब ये, हो गया, इस तरह से तब हो है? ये हम तो करते रहते हैं तो मेरे से हो जा रहा है जल्दी तुम लोगों से भी होगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ठीक है आ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर ये वैल्यूज आ गए अब हम लोग इसको एड कर लेते हैं तो ये हो गया टू एल सी एम में ये माइनस फोर्टीन ये माइनस फाइव थ्री टू दी पावर ये कितना हो हो जाएगा -19 by 2, और ये हो गया पावर के देन थ्री थ्री हटा दो जैसे अभी हम लोगों ने ये एक नया फॉर्मूला सीखा ना वही चीज बोल रहे थ्री थ्री हटा दो तो हम लोग का क्या बचता है थ्री थ्री हटने से बचता है के इक्वल टू माइनस नाइनटीन बाई टू ठीक है के इक्वल टू माइनस नाइनटीन बाई टू यही हम लोग का आंसर दिया हुआ है तो बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ हम बता देते हैं कुछ भी डाउट है कुछ भी लग रहा है अगर डायरेक्ट की हो तो बहुत ही अच्छा बात है डायरेक्ट ऐसे ही ये लाइन आ जाएगा तुम लोग का डायरेक्टली ये लाइन में पहुंच जाओगे अगर फॉर्मूला करोगे तो देखो इतना सारा होगा ठीक है आई थिंक समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे अच्छा जैसे ये और एक फार्मूला एड ऑन करेंगे ठीक है और एक फार्मूला लास्ट ये वाला एड कर देते यहाँ पर ही दिखा देते ठीक है ये मेरा आठ नंबर और नौ नंबर और एक फॉर्मूला हम लिखवा देते ऐसे ही मिलता जुलता फॉर्मूला है इसका क्वेश्चन अभी तक तो नहीं मिला लेकिन अभी आगे क्वेश्चन मिल जाएगा देखो नाइन्थ नंबर में एक्स टू दी पावर ये देखो ये वाला फॉर्मूला लिख रहा है एक्स टू दी ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर ए वाई टू दी पावर एक्स टू दी पावर ए और वाई टू दी पावर अगर ए है देन ए ए कैंसिल आउट एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा ठीक है एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा ऐसे ऐसे हम लोग इसे कंक्लूजन ला सकते हैं हो जाएगा तो यहाँ पर बेस इक्वल था तो पावर आंसर हो जाएंगे यहाँ जो है पावर इक्वल है तो बेस आंसर हो जाएंगे तो ये एक फॉर्मूला इसको भी लिख लो अभी तक हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला लेकिन आगे मिल जाएगा ठीक है अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक्सरसाइज वन सी से स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज वन सी अच्छा मुझे बोलो कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी और डी यहाँ पर बोला है फोर इंटू एक्स टू दी पावर माइनस फोर इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको बस बताना है कि कैसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ बोलो कौन सा ऑप्शन सही है दिख रहा है ना तुम लोगों को हम्म दिख रहा तो होगा बोलो कौन सा ऑप्शन सही बोलो आंसर नहीं आया मुझे ये क्या है ये है फोर ऑप्शन ए, उप्षिन ए।, ए।, उप्षिन ए। थोड़ा सा सोचो देखो गलत हो रहा है ये ऐसा है इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते ये तो माइनस फोर कर दिया है ना ऑप्शन सी ऑप्शन सी देखो जो फॉर्मूला तुम बोल रहे थे फोर इन ये करेक्ट आंसर है वन बाई एक्स टू दी पावर वन बाई फोर होगा ना इससे ये क्या लिखा हुआ ये माइनस को यहां कैसे ला सकते हैं अगर ए टू दी पावर माइनस एम है तो इसे हम लोग माइनस ए टू दी पावर एम तो नहीं लिख सकते ना ये देखो एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई फोर को हम लोग पॉजिटिव कर सकते बट वन बाई करके कर सकते ना इसके पहले तो नहीं कर सकते बोलो समझ में आया देखो यहाँ गलती क्या हो रहा था तुम्हारे आंसर में ये माइनस यहाँ पर सामने कैसे आ जाएगा क्योंकि हम लोग के पास क्या है फोर इन टू ये कुछ नहीं है मतलब तो इंटू है ना फोर इन टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई फोर है तो फोर फोर के तरह रहेगा और ये एक्स टू दी पावर वन बाई फोर हो जाएगा यानी फोर बाई एक्स टू दावर वन बाई फोर बोलो समझ में आया सबको सी ऑप्शन क्यों होगा जो भी डाउट था क्लियर हुआ ठीक है तो वन का सी हो जाएगा ठीक है हम एक बार आंसर जो है नोट डाउन कर लेते हैं वन का सी हो जाएगा कहा गया ये रहा क्वेश्चन नंबर वन इसका सी हो जाएगा फोर इन टू वन बाई एक्स टू दावर वन बाई फोर यानी फोर एक्स टू दावर वन बाई फोर ये क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था ठीक है ऐसे दिया हुआ था अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ वैल्यू ऑफ एट टू दी पावर वन थर्ड हाँ बोलो ऑप्शन ए टू का ए इसका मतलब क्या होता है पता है माने सर माने में एट एर माने वही दुई एर क्यूब हाँ तो दुई एर क्यूब माने टू टू दी पावर वन थ्री यार एटा माने की टू टू दी पावर वन थ्री है सो मैम যদি সামনে টু থাকে কিউব থাকলে তো উল্টেই হয় না টু দি পার্ট আরে বাবা এটার ভ্যালুটা তো বলেছে তাহলে এইট টু দি পার ওয়ান বাই থ্রি ভ্যালু এটা হতে হবে না তুমি এটার এক্সপ্লেনেশন ঠিকই দিচ্ছ এটা মানে এটা হয় আমি এটা বলছি না কি হয় না কিন্তু এইটার মা এইটার ইকুয়াল কি এটা হয় সেটাও তো ভাবো আমলোকও ভ্যালু হবে নাকি অ্যার বি বি কেউ ठीक से सॉल्व करो ना एट टू दी पावर को तुम लोग सॉल्व करो ना तुम लोग को एट टू दी पावर सॉल्व तुम लोग को पता चलेगा क्या होगा तुम लोग ऑप्शन देख रहे हो ना इसलिए हो रहे हो. 8 का मतलब क्या होगा बोलो पहला बात है एट का मतलब क्या होगा एट को टू के फॉर्म में सिंप्लीफाई करो ना आंसर टू होगा तब ये देखो एट का मतलब टू टू पावर थ्री टू दी पावर वन थ्री यानी टू होगा अब तुम लोग बोल रहे हो कि ये वाला अब ये कैसे होगा बताओ ये ये थ्री ये, थ्रूट है। ये मुझे भी पता है कि टू टू दी पावर वन बाई थ्री होगा लेकिन यार ये बराबर थोड़ी ना है अगर बराबर होता तब ना सही आंसर होता तो ऑप्शन सी बोलो समझ में आया तुम लोग को यहां से ऐसे डायरेक्ट देखने से नहीं समझ में आएगा वैल्यू पूछा है वैल्यू का मतलब इसको सिंप्लीफाई करो देखो ये तो वैसे ही डिजिट में ही है यहाँ पर एक्स वाईज एड तो है नहीं ठीक है तो फिर भी बोल रहे जैसे मान लो टू टू दी पावर दे दिया नाइन वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे तुम लोग टू इंटू टू इंटू टू करके कैलकुलेटर में नाइन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे फिर वैल्यू बता दोगे वैल्यू का मतलब क्या है कैलकुलेट करके बताओ अगर इसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि क्या होगा कैलकुलेट कर कैसे करेंगे अब एट टू दी पावर वन थर्ड है ठीक है अब हम लोग को पता है कि टू टू दी पावर थ्री मतलब एट होना चाहिए अब वहां से हम लोग ये कैलकुलेट किए और आंसर निकल के आया टू ठीक है तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग नहीं बोल सकते हैं हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं चलो हो जाता है ऐसे धीरे धीरे सीख जाओगे थर्ड नंबर वाला बताने का कोशिश करो हम लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन टू आंसर टू थर्टी टू टू दी पावर वन बाई फाइव ठीक है आंसर टू मतलब ऑप्शन टू का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं थ्री मतलब नन ऑफ दिस नहीं नन ऑफ दिस नहीं तो हैं बोलो ऑप्शन ए थे तो टू आ चे ऑप्शन ए थे टू आ चे किंतु तो टू तो आंसर होगा ना अच्छा ये हो गया टू ठीक है अब थर्टी टू को क्या कैसे लिख सकते हो टू के फॉर्म में लिखने का कोशिश करो थर्टी टू को हम लोग कैसे डिवाइड देखो कैसे करना है उसके लिए तुम लोग एलसीएम करोगे ना लेकिन एलसीएम करने में तो टाइम लगेगा तुम लोग अपने कैलकुलेटर से करोगे यहाँ टू से स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से ही तो एलसीएम करना चाहिए तो ये कितना आएगा सिक्सटीन एट फोर टू तो कितना बार मल्टीप्लाई करने से होता है देखो मुझे तो आदत है मुझे याद रहता है कितना बार करने से होता है लेकिन तुम लोग ऐसे लिख के कर सकते हो बेस्ट होगा कैलकुलेटर में करना कितना बार टू लिखने से थर्टी टू होगा कितने बार टू को मल्टीप्लाई करने से थर्टी टू होगा टू टू पावर फाइव तो यहां पर हो गया टू टू दी पावर फाइव होल टू दी पावर वन बाई फाइव तो टू इन टू अब इसको कैसे लिखोगे पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ठीक है पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होने से बताओ क्या होगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई होने से क्या होगा बताओ ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाता है वन अब ये कितना लिखोगे इसके पावर में भी वन इसके पावर में भी वन इसके अलावा तुम लोग को तो पता है इसको ऐसे क्यों करे टू इंटू टू कितना होता है इसके पावर में भी वन ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगा बोलोगे मुझे फॉर्मूला करना है करो

तो अच्छा, देखे चार्थ चार्थ। देखो थर्ड नंबर वाला ऐसे होगा और समझ में आया कि नहीं बोलो पहले हम लोगों ने क्या लिखा ये क्वेश्चन लिख लिया ठीक है अब थर्टी टू को ऐसे एलसीएम बेस्ट होगा कैलकुलेटर यूज करो टू इंटू टू इंटू करके देखो कि टू को मल्टीप्लाई करने से क्या हमारा थर्टी टू आ रहा है ठीक है अच्छा कैसे चेक करोगे कर वो भी हम बता देते हैं ये रहा कैलकुलेटर ठीक है टू से ही क्यों करना है क्योंकि सबसे स्मॉल डिजिट से ही तो करना होता है टू इन ये देखो दो ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ तीन बार चार बार पांच बार ये देखो पांच बार पांच बार तो टू टू लिख देंगे अब देखो टू इंटू टू फोर होता है इसको अलग से ऐसे करना मतलब टाइम वेस्ट है फिर भी मैंने लिख के बताया कि देखो तुम लोग चाहो तो फॉर्मूला एक्चुअली ये फॉर्मूले से तो ये होता है जब हम लोगों ने लास्ट दिन स्टार्ट किया था इंडिस का क्लास तब मैंने यही चीज बताया था देखो कि कब हम लोग ये इंडिस को सोचे क्योंकि इतना बार लिखेंगे इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारा टाइम टेकिंग होगा तभी इंडिस का इन्वेंशन हुआ उसी यहाँ पर अगर चाहो तो ये फॉर्मूला ये कब यूज करने से बेटर होगा जब बहुत बार टू लिखना है तब फॉर्मूला लिखो ठीक है अब जब बहुत बार लिखना नहीं है टू इन टू टू फोर हो गया ठीक है अच्छा अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चले अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन में कुछ भी अः पूछना है तो पूछ सकते हो अभी तक हम लोगों ने तीन क्वेश्चन किया है इसमें किसी का कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो अगर नहीं है तो हम लोग फोर्थ नंबर कर सकते हैं देखो फोर्थ नंबर वाला अच्छा चलो फोर्थ नंबर करते हैं फोर ये डिवाइड है फोर डिवाइडेड बाय थर्टी टू टू दी पावर वन बाय फाइव फोर डिवाइडेड बाय थर्टी टू टू दी पावर वन बाय फाइव ये देखो पहले थ्री वाले क्वेश्चन के तरह ही होगा है ना बताओ कैसे करोगे फोर को क्या लिखोगे हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट बेस में ट्रांसफर करेंगे क्वेश्चन को स्मॉलेस्ट बेस ठीक है तो फोर का क्या होगा टू टू तो टू को टू टाइम्स लिखो थर्टी टू को कितना बार लिखना पड़ेगा अभी अभी सीखा ना याद रख लो थर्टी टू रूट टू रूट टू दी पावर फाइव ठीक है टू दी पावर फाइव अब ये हो गया टू टू दावर टू और ये हो जाएगा ये वाला ठीक है वन अब कैसे लिखोगे बोलो अब ऊपर दो दो बार दो है नीचे एक बार दो है अब इसको चाहो तो तुम लोग नॉर्मल ऐसे फोर बाई देखो इसको कितने तरह से कर सकते हैं जो दिमाग में आता है अब अगर बोलोगे मुझे फॉर्मूला के तरह चलना है ठीक है भाई बेस एक जैसा है पावर माइनस हो जाएगा तो टू माइनस वन टू टू, टू दी पावर वन यानी टू एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते दूसरा ये बोलोगे फोर बाई टू यानी टू ऐसे लिख लो अब जिसके दिमाग में जो आता है अब अगर तुम लोग ऐसे बोलोगे हम लोग ऐसे लिखेंगे टू इंटू टू बाई टू फिर ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा अब देखो तुम लोग को सोचना है कि कैसे जल्दी होगा ठीक है अब तीनों चीज एक एक ही बात है तीनों चीज एक ही बात है प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है कोई बोल रहा है कि हम टू इंटू टू करके लिखेंगे वैसे कर सकते हो ठीक है जैसा ठीक लगे कर सकते हो इस तरह से तीनों में से कोई भी ये ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया ये वैल्यू निकाल के हो गया ये वैल्यूज को नहीं अलग अलग इंडिविजुअल लिख के हो गया जैसे करोगे वैसे ही आंसर आएगा तो इसका आंसर टू आ जाएगा तो ये हो गया हम लोगों का बी फोर का आंसर बी हो जाएगा बोलो फोर वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया क्या इसमें कोई भी डाउट है किसी तरह का कोई डाउट है ठीक है मुझे नहीं लगता है डाउट हाँ डाउट है मैम नहीं है ठीक है. है चलो अगर डाउट होगा ना तो मुझे तुरंत बोलो कि फिर से एक बार बताइए तो हम बोल देंगे चलो फिफ्थ नंबर में बोला है द वैल्यू ऑफ बोलाई ट्वेंटी सेवन टू दी पावर दावर एट बाई ट्वेंटी सेवन होल टू दावर वन बाई थ्री ठीक है और ऐसे करके दिया हुआ है मतलब वो डिवाइड होता है ठीक है बोलो बाई हाँ, आंसर बाई थ्री होगा चलो हम लोग कैलकुलेट एक बार करके देखते Again, तुम लोग 8 को फिर से टू से पावर थ्री तो मतलब लिखते जाओगे ना इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा वो दिमाग में सेट हो जाएगा ठीक है कि अच्छा एट मतलब टू टू दी पावर थ्री धीरे धीरे ये चीज दिमाग में चला जाएगा अच्छा अब इसको हम लोग लिख दे टू टू दी पावर थ्री अब ट्वेंटी सेवन को कैसे लिखोगे चेक करो यहाँ पर ट्वेंटी तो फिर टू से डिविजिबल <coughs> नहीं होता थ्री से डिविजिबल होगा थ्री नाइन और थ्री थ्री ठीक है हम लोग नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू से चेक करेंगे तो ये थ्री टू पावर थ्री और ये होल टू पावर वन थर्ड है अच्छा अब जैसे मल्टीप्लीकेशन में अगर ए बी टू दी पावर एक्स है तो ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर एक्स हो जाता है सिमिलरली सिमिलरली अगर ए बाई बी होल टू दी पावर एक्स है ये चाहो तो फॉर्मूला में एड कर लो ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर एक्स हो जाएगा मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिवीजन में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है मल्टीप्लीकेशन में जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है डिवीजन में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये एक बार तुम लोग लिख लो फिर मुझे बोलो कि अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये ये तो ऐसे ही था अब पावर को हम लोग इंडिविजुअली लिखेंगे इस पे वन बाई थ्री लिखेंगे इस पे वन बाई थ्री लिखेंगे अब ये कि अब पावर पावर मल्टीप्लाई बोलो कितना होगा अब बोलो आंसर कितना होगा कैंसिल आउट हो जाएगा हाँ हर जगह पे थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा टू बाई थ्री ठीक है टू बाई थ्री आंसर हो जाएगा अच्छा अब इसको देखो इसको ना और एक थोड़ा सा एक स्टेप कम करके भी हम लोग कर सकते थे इसके बाद का स्टेप बताते हम लोग ऐसे भी कर सकते थे क्या ऐसे चलेगा बोलो क्या ये चीज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ भी तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो हम लोग इसको कंबाइन मतलब देखो इसको बोलते हैं कॉन्सोलीट फॉर्म हम लोग फॉर्मूला को दो तरह से कर सकते हैं ना अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए टू दी पावर माइनस एम इक्वल टू वन बाई ए टू दी पावर एम है तो हम लोग ये भी तो बोल रहे वन बाई ए टू दी पावर एम का मतलब ये है उसी तरह से अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये ऑलरेडी एक ही जैसा पावर डिस्ट्रीब्यूट है क्या इसको कंबाइन करके ये लिख सकते हैं क्या इससे ये लिखना गलत बात है देखो वन 5/3 तो जैसा है वैसा रखा है मैंने उसको मैंने कोई चेंज नहीं किया है to the power. टू टू थ्री थ्री टू टू होल टू दी पावर लेकिन क्या इसको हम लोग कंबाइन करके 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 3 को कंबाइन करके हम लोग 2/3 होल टू दी पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ नहीं समझ में आया समझ में आया सबको समझ में आ रहा है देखो हम ये बोल रहे हैं कि मैंने अभी तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया ए बाई बी होल्ड टू दावर एक्स को ऐसे लिखो ए टू दी पावर एक्स बी टू दावर एक्स तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा ऐसा है ए टू दी पावर एक्स बी टू दावर एक्स तो हम लोग इसको रिवर्सली ये भी तो बोल सकते हैं मतलब ये इक्वल अगर ये है तो ये इक्वल भी तो ये होगा है ना तो हम लोग इससे क्या बोल सकते टू बाई थ्री होल्ड टू दी पावर थ्री एक बार बताओ मुझे बोल सकते है कि नहीं बोल सकते फॉर्मूला तो दोनों तरह से रीड करना चाहिए दिस वन इक्वल दिस वन देन दिस ऑल्सो इक्वल टू दिस वन ये अगर इससे बराबर है तो ये भी इससे बराबर है इससे ये लिख सकते हैं कि नहीं इससे क्या होगा हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा अब ये क्यों लिख रहे हैं इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा देखो कैसे जल्दी होगा ये ऐसे लिख दिया ना अब देखो इसको क्या करोगे थ्री इन टू वन थर्ड करोगे तो ये कितना हो जाएगा टू बाई थ्री 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 कैंसिल हो गए हुआ ना थोड़ा सा जल्दी हुआ बोलो समझ में आया इस तरह से भी तो कर सकते हैं एनी डाउट बोलो इस तरह से भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन में जा सकते हैं ठीक है चलो सिक्स नंबर क्वेश्चन करते हैं वैल्यू ऑफ टू इंटू टू फिफ्टी सिक्स होल्ड टू दी पावर माइनस वन बाई एट लिखे इसको कैसे सॉल्व करोगे ये टू इन टू है ठीक है टू फिफ्टी सिक्स को तुम लोग कैलकुलेटर में करो ठीक है ये काफी बड़ा डिजिट होगा ना ये देखो ये देखो ये थर्टी टू मतलब पावर एट करने से ये आ रहा है तुम लोग अपने कैलकुलेटर में देखो और देख के मुझे कंफर्म करो आ रहा है कि नहीं टू टू पावर एट मतलब टू को आठ बार मल्टीप्लाई करने से टू फिफ्टी सिक्स आता है चेक करके देख लो अपने कैलकुलेटर पे चेक करके देखो हम्म बोलो आ रहा है और एक बार बोलोगे बात बहुत ही कट कट के आया बोलो मुझे ना बात क्लियरली नहीं आया और एक बार बोलो ना

হ্যাঁ ওভাবে করতে পারো ওটাও করতে পারো আমি কেন ডাইরেক্ট করে দিয়েছি देखो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो ये देखो ये वाला ऐसे भी कर सकते हो मतलब तुम लोग अगर ऐसा करना चाहो तो भी चलेगा ये देखो वन बाई टू टू दी पावर एट होल टू दावर माइनस वन ये वाला ये भी चलेगा जैसे करना चाहो मैंने क्या किया मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया वो भी तो प्रोसेस है है ना हम लोग दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं तो हम दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली दिखा देते हैं ये देखो अब ये क्या हो गया इसके पावर में वन है और यहाँ माइनस है तो टू टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा या फिर इसके बाद तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो किसी भी तरह से हो सकता है अब ये देखो ये वाला फॉर्मेट जो कर रहे थे ये वाला इससे भी हो जाएगा एट इन टू वन बाई एट मतलब वन और टू बाई वन टू डिवाइडेड बाई टू वन बोलो हर तरीके से ही तो हो सकता है ना कोई भी गलत नहीं है जैसा देखो अब वो ना अपना अपना दिमाग में ऑन दैट मोमेंट जो आ जाएगा तुम लोग उसी से सॉल्व कर देना ठीक है बस सही करना है तुम लोग को तो वैसे भी हो जाएगा बोलो मैंने यहाँ पर आ, दो तीन तरीके से बता दिया ठीक है ये वाला तुम लोग सॉल्व कर रहे हो इस तरीके से मैंने ये भी बता दिया ये मैंने आ, ये अप्रोच लिया इससे भी मैंने करके बता दिया मुझे बताओ कि सिक्स वाला समझ में आया कि नहीं आया ठीक है मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि सिक्स वाला अभी तक जो भी क्वेश्चन किया है सारा समझ में आया सिक्स तक यस yes, मैम। अच्छा चलो फिर सेवेंथ नंबर करते हैं सेवेंथ नंबर में देखो टू टू दावर हाफ फोर टू दावर थ्री बाई फोर ये भी तुम लोग कर लोगे ये भी तुम लोग कर लोगे कुछ टफ है ही नहीं अभी तक देखो फोर टू दी पावर थ्री बाई फोर बताओ क्या होगा 2 टू दी पावर हाफ को हाफ रखो ठीक है अब कुछ अलग भी करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है हम वो कर ले रहे हैं 4 का मतलब हम लोग लिख देते हैं 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4 ठीक है तो 2 टू दी पावर 1/2 2 टू दी पावर इसको कैसे लिखेंगे ये पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो 2 3/4 3/2 क्यों ये 2 इससे कैंसिल आउट कर दिया मैंने अब पावर आ, क्या हो जाएगा बेस बराबर है तो पावर ऐड कर दो हाफ प्लस थ्री बाई टू ठीक है हाफ प्लस थ्री बाई टू तो कितना हो जाएगा फोर बाई टू यानी टू टू दी पावर टू यानी फोर ठीक है पॉट टू दी पावर यानी फोर पहले देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं अच्छा लास्ट वाले का भी मैंने ऑप्शन नहीं देखा लास्ट वाले में ऑप्शन ए होगा सिक्स का ए आ रहा है एक बार चेक कर ले हम नंबर 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 का A, हाँ. का का ए बी होना चाहिए अच्छा हाँ. मैंने आंसर क्यों बता दिया तुम लोगों से पूछना चाहिए था चलो कोई बात नहीं यहाँ पर बोला ये एक फ्रैक्शन होगा इसका आंसर एक पॉजिटिव इनटी या नेगेटिव इनटी या नन ऑफ दिस तो देखो पहला बात है ये फ्रैक्शन नहीं है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है जैसे थ्री बाई टू ये फ्रैक्शन होता है

पूरे पावर प्लस में दिया हुआ है तो फिर नॉर्मली एक ही तरह से ही जो है सॉल्व होगा मैक्सिमम लोग एक ही तरह से सॉल्व कर पाएंगे ठीक है जैसे इसका अलग-अलग तरीका हो सकता है तो ये हो गया फोर आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है 8th नंबर बताओ 8th नंबर वाला थोड़ा सा अलग लगेगा एक ही जैसा है उसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है लेकिन xy फॉर्मेट है 81 x 2 4 और यहां पर बोला है A, y टू पावर माइनस एट वाई टू दी पावर माइनस एट होल टू पावर वन बाई फोर होल टू पावर वन बाई फोर तुम लोग कैसा सॉल्व करना पसंद करोगे करो ठीक है इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते तुम लोग को जैसा ठीक लगता है तुम लोग वैसे करो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा हम अपने हिसाब से कर रहे हैं ठीक है

into y by four कोडे कोडे किवाबे होगे माने इटा रकम था कबे आर इटा one by y to the power eight है yeah. four eight to the power four हम्म hmm. ऐसे भी हो, हो जाएगा ऐसे भी होगा हाँ equal बोलो किवाबे कोडे बुझते बाल से नहीं, eight, नहीं एट, एट one one था के वो नीचे जगह by क्या ना इट reverse कोडे था इसको ऐसे भी तो कर सकते हो इसको रिवर्स कर दो वन बाई वाई टू दी पावर एट है इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये पावर इसको नॉर्मल सॉल्व भी तुम लोग कर सकते हैं ये देखो एट्टी वन एक्स टू पावर एट डिवाइडेड बाई वन नहीं लिख सकते हैं नॉर्मल मैथ से जो कैलकुलेशन है से तो इसको कैसे लिखोगे थ्री इन टू फाइव बाई वन नहीं लिखोगे वैसे करो नहीं होगा ऐसे बोलो समझ में आया कि नहीं ये वाला ऐसे भी कर सकते हो एट्टी वन एक्स टू पावर फोर और वाई टू अब एट्टी वन को क्या लिखोगे एट्टी वन को थ्री टू दी पावर फोर लिख लो एक्स टू दी पावर फोर वाई टू दी पावर एट और होल टू दी पावर वन बाई फोर तो सब में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये थ्री रह जाएगा ये एक्स रह जाएगा ये वाई टू पावर फोर हो जाएगा सॉरी टू हो जाएगा थ्री एक्स वाई स्क्वेयर हाँ मेरा भी वही आया है बताओ तुम लोग कैसे कर रहे हो ये एक तरीका ये तुम लोगों ने किया फॉलो ठीक है मैंने ऐसे किया है तो ये देखो दोनों ही एक ही जैसा है लगभग इसका आंसर थ्री एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने जैसे किया एक बार बता दे ठीक है फिर ये नीचे वाला भी बता देते मैंने क्या क्या किया अप्रोच देखो मैंने यहाँ पर एट्टी वन एक्स फोर जैसा था वैसा लिखा यहाँ पर ये जैसा था वैसा किया मैंने ये दोनों पावर को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको फिर ये डिवाइड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया फिर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे एट्टी के पावर में वन बाई लिखा एक्स टू दी पावर फोर के पावर में वन बाई फोर लिखा है एट्टी वन को हम लोगों ने स्मॉलेस्ट बेस में ट्रांसफर करने का कोशिश किया टू से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा मैंने थ्री से डिवाइड किया तो ये थ्री टू दी पावर फोर आ गया ठीक है अच्छा अब यहाँ पर ये क्रॉस ये मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल आउट होने से टू हो गया माइनस टू बचा अब मैंने इसको सिंपल जो है इसको सॉल्व कर दिया कैसे सॉल्व किया ये देखो मैंने यहाँ पर ये ये पावर मल्टीप्लाई होने से थ्री ये पावर मल्टीप्लाई होने से एक्स बचा ये माइनस टू बचा तो थ्री एक्स डिवाइडेड बाई वाई टू दी माइनस टू वाई टू माइनस टू को मैंने यहाँ वन बाई वाई लिखा तो ये रिवर्स हो जाएगा जो मैथ्स का रूल्स होता है पलट जाता है ना रिवर्स हो जाता है ठीक है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन है वन बाई वाई स्क्वेयर वाई स्क्र बाई वन हो जाएगा थ्री एक्स वाई स्क्वेयर हो गया और अगर इस तरह से करते हो देखो ये जो अप्रोच तुम लोग कर रहे हो इससे भी होगा क्यों नहीं होगा ये जैसा वैसा लिखा गया इसको यहाँ पर फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दिया गया देन आल्सो ठीक है हाँ बोलो वही 481 एक्स तो जो भी फोटा है जो ओड साथ है जो वही एकदम होल ट्यूब जो 1 4 है जो 44 तो केटे जाएंगे केटे के लिए राउंड एकदम लास्ट आंसर ऐसे 81 एक एक्स इनटू वाइट তুমি এইটটি ওয়ান ভেতরে আছে তাহলে এই পাওয়ারটা তো এইটটি ওয়ান এর ওপরেও তো অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে তুমি এইটটি ওয়ান ওপর তো অ্যাপ্লিকেবল করছো না তাহলে তো ভুল হয়ে গেল না এখানে এক্স আছে ওয়াই আছে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ফোর আছে তুমি এক্স ওপর অ্যাপ্লাই করছো না শুধু ওয়াই এর ওপর করছো তাহলে কি ঠিক হবে এটা তো এইটটি ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাই না তুমি এইটটি ওয়ান এর ওপর তো ওয়ান বাই ফোর এর ইম্প্যাক্ট দিচ্ছ না সেই জন্য তোমার এইটটি ওয়ানটা থেকে যাচ্ছে বলো ভুলটা বোঝা গেল কি প্রবলেমটা হচ্ছে ये देखो 81 जो है ना इस पे भी तुम लोग को इम्पैक्ट डालना पड़ेगा ना वन बाई फोर का तो देखो जो गलत हो रहा था 81 इस इसपे भी इम्पैक्ट डालो वन बाई फोर का तो 81 ये इंटू है कुछ नहीं है थ्री टू दी पावर फोर लिखा है यहाँ एक्स टू दी पावर फोर था ही और वाई टू दी पावर एट और ये ऊपर फोर है और ये सबको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फोर इंटू वन बाई फोर फोर वन बच्चा फोर इंटू वन बाई फोर वन बच्चा एट इंटू वन

ठीक है अब हम लोग नाइन्थ नंबर वाला करते हैं एक्स टू दावर ए माइनस बी फिर बोला है x टू दी पावर b माइनस सी ठीक है अब तुम लोगों को लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कैसे जल्दी होगा मुझे बताना इन टू एक्स टू दी पावर सी माइनस ए ये कैसे सॉल्व करोगे पूछा है कि इज इक्वल टू मतलब इसका वैल्यू बताओ कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पर लेकिन मल्टीप्लीकेशन हाँ, दिया हुआ था अगर नहीं भी दिया होता ना ऐसे पॉइंट दिया होता तो भी मल्टीप्लाई मानना चाहिए बोलो इसको क्या लिखोगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक लाइन का हाँ बोलो कैसे करना है बताओ ये सब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या करेंगे दो। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ठीक है अब सब कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना हुआ एक्स टू दी पावर जीरो कितना होगा Something to the power zero, always one. इसलिए ये दिया हुआ है क्योंकि बहुत से लोग इसे जीरो लिख के आ जाएंगे ठीक है जीरो लिख के आ जाएंगे और ऑप्शन भी रखा होगा जरूर रखा हुआ होगा तो ये बाकी ऑप्शन हमारा बी होगा नाइन्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो गया ठीक है नाइन्थ नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा अच्छा मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है ये ये तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा अब देखो टेंथ नंबर वाला टेंथ नंबर वाला तुम लोग से देख के बताओ कौन बोलेगा इसका आंसर क्या होगा ये एक वैल्यू दे रखा है और पूछ रहा है कि इज इक्वल टू कितना होगा अगर पी क्यू एक्स वाई सब नॉट इक्वल टू जीरो है क्या दे रखा है क्वेश्चन में टू इंटू पी स्क्वेर क्यू डिवाइडेड बाई थ्री एक्स वाई टू दी पावर

वन ना ये कुछ है ये कुछ वैल्यूज है लेकिन पावर तो जीरो है हमारा तो ये तो वन ही होगा ठीक है ये हमेशा क्या होगा वन होगा अगर तुम लोग बोलोगे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर को करो तो भी तुम लोग का वही होगा ना ये देखो ये जीरो मान लो तुम लोग बोल रहे हो हम लोग फॉर्मूला से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कर लो डिस्ट्रीब्यूट क्या

समथिंग टू दी पावर जीरो वन इसलिए ऐसे ही याद रखो समथिंग टू दी पावर जीरो कुछ भी दुनिया में लिखा हुआ है उसमें अगर पावर जीरो है तो वो वन ही होगा ठीक है अब इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो ठीक है इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर बहुत सारा डिजिट दे रखा है तो ध्यान से लिखना है और डिवाइड फॉर्मेट में दे रखा है ठीक है हम इसको डिवाइड फॉर्मेट में लिखेंगे ये फिर होल डिवाइडेड बाय ऐसे करके लिखेंगे ठीक है तो तुम लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ध्यान से देखना पड़ेगा ये डिवाइड दे रखा है अब हम यहाँ पर लिखते हैं देखो ऐसे करके हम लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन अपना ठीक है यहाँ एक सेकेंड ब्रैकेट दे रहा है और थ्री टू दी पावर थ्री होल टू दी पावर टू फोर टू दी पावर टू होल टू पावर थ्री फाइव टू द पावर थ्री होल टू पावर टू ये क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है फिर डिवाइडेड बाय दे रखा है थ्री टू पावर टू होल टू पावर थ्री फिर दे रखा है फोर टू पावर थ्री होल टू द पावर टू फिर दे रखा है फाइव टू दी पावर टू होल टू पावर थ्री ठीक है तो इसको अब तुम लोग को स्मार्ट वर्क करना है ज्यादा फॉर्मूला में जाओगे तो एक ही क्वेश्चन कर आंसर वन इलेवन का डी इलेवन का हाँ आंसर वन होगा ठीक है आंसर वन होगा अच्छा देखो इसमें क्या करोगे सिंपल पावर को मल्टीप्लाई कर दो थ्री टू दी पावर कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा. फोर टू दी पावर कितना हो हो जाएगा? जाएगा. ये टू दी पावर कितना हो जाएगा? ये, हो जाएगा. कितना हो, जाएगा? ये हो जाएगा. ये नीचे भी देखो थ्री टू दी पावर सिक्स हो गया फोर टू दी पावर सिक्स हो गया फाइव टू दी पावर सिक्स हो गया और ये सब अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देते डिवाइड डिवाइड है ना तो ये ये सब कैंसिल आउट होके ये वन हो जाएगा वन बाई वन वन अब तुम लोग इसका कुछ अलग अप्रोच करो ही मत क्यों नहीं करना है इसीलिए क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है अब अगर तुम लोग इसको क्या करोगे अगर थ्री को फिर सॉल्व कर डालोगे या फिर एड वेड करने जाओगे या फिर ये पावर पावर माइनस कर लेते हैं ऐसा कुछ सोचोगे ना तो ये बहुत बड़ा होने वाला है क्वेश्चन लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है इसके अलावा कोई ऑप्शन लो ही मत इसी तरह से ही सॉल्व करो इसके लिए तो हम बोलेंगे यही फिक्स तरीका होना चाहिए ठीक है और कोई तरीका करो ही मत बेकार होगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम होना चाहिए अगर है तो बताओ हम बता देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बता देंगे कोई भी डाउट इसमें क्या डाउट होगा इतना तो कर रहे हैं हम लोग है ना इसमें तो डाउट नहीं होगा अच्छा अब ये ट्वेल्थ नंबर वाला थोड़ा अपना दिमाग चलाओ और मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन uh, ट्रू है टू टू दी पावर जीरो ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर जीरो टू टू दी पावर जीरो लेस देन हाफ टू दी पावर जीरो टू टू दी पावर जीरो इक्वल हाफ टू दी पावर जीरो नन ऑफ दिस बोलो मैम ऑप्शन ए ऑप्शन ए टू टू दी पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है वन और वन ग्रेटर हाफ टू दी पावर जीरो वैल्यू कत है उठाओ तो वन पहले की करो सॉरी তাহলে মে অপশন সি হবে তাহলে দুটো ভ্যালু ইকুয়াল হবে อืม অবিয়াসলি ऑप्शन सी होगा ना इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम लोग यहाँ पर दिमाग यूज करना था हमें बोला था टू टू दी पावर जीरो पहला ऑप्शन ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर जीरो हम लोग चेक करेंगे ना कि सही बोल रहा है कि नहीं तभी तो ऑप्शन ए में टिक करेंगे हमें पता है समथिंग टू दी पावर जीरो वन और समथिंग टू दी पावर जीरो वन ग्रेटर देन वन ये वैल्यूलेस बात है ऐसा नहीं होता है ठीक है वन ऐसे हो सकता है वन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल वन अगर होता तो अब भी हम लोग मान लेते कि एक इक्वल वाला ऑप्शन है लेकिन वन ग्रेटर देन कभी नहीं होता है फिर बोला टू टू दी पावर जीरो हाफ टू दी पावर जीरो तो ये वन और ये वन वन लेस देन वन ये भी वैल्यूलेस बात है कभी ऐसा होता है वन लेस देन वन नहीं होता है अब टू टू पावर जीरो इक्वल टू हाफ टू दी पावर जीरो वन इक्वल वन हा ये वैलिड बात है वन इक्वल वन 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 से बराबर है हाँ हम लोग बोल सकते हैं वन वन से बराबर है बिल्कुल सही बात है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो यहाँ देखो कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं था लेकिन हम लोगों ने जो भी सीखा हम लोग को उसके ऊपर बेस करके आंसर देना पड़ेगा तो यहाँ सीखना जरूरी होता है ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही हमारे पास क्वेश्चन रहेगा अब इतने सारे चैप्टर है रेशियो से मान लो एक या दो क्वेश्चन आया ठीक है या तीन या चार क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है तो फिर तुम लोग को हो सकता है कुछ ऐसे तरीके का क्वेश्चन दे दिया तो फॉर्मूले से सिर्फ काम नहीं होने वाला तो तुम लोग ऐसा मत सोचो यहाँ पर मैथ मतलब फॉर्मूला ऐसा बात नहीं है ठीक है यहाँ पर मैथ मतलब सीखना तो सीखना है तो पूरा ही सीखना पड़ेगा तभी हम लोग हर तरह का क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है अब ये थोड़े से अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर बोल रहा है एक्स टू दी पावर वन बाई पी हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं इक्वल टू बोल रहा है वाई टू दी पावर वन बाई क्यू फिर बोल रहा है z टू पावर z टू पावर वन बाई आर ठीक है और बोला है एक्स वाई जेड इक्वल वन ये दे रखा है क्वेश्चन में ये कुछ भी मैंने अपने मन से नहीं लिखा है अब पूछ रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा ठीक है अब तुम लोग बताओ हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन में जब इस तरह का इक्वेशन देखा था कि ये रेशियो ये प्रोपोर्शन इक्वल ये इक्वल ये तब हम लोग एक वैल्यू मान रहे थे क्या मान रहे थे बता सकते हो हम लोग एक वैल्यू के तो अभी हम लोग यहाँ पर भी के मान ले तो ये पूरा वैल्यू इक्वल टू के मान लेते हैं मतलब एक्स टू दी पावर वन बाई पी इक्वल टू वाई टू दी पावर वन बाई क्यू इक्वल टू जेड टू दी पावर वन बाई आर मैंने मान लिया सबका वैल्यू के है ठीक है सबका वैल्यू के है तो वन बाई पी इक्वल टू के वन बाई क्यू इक्वल टू के और यहाँ पर वन बाई आर इक्वल मतलब जेड टू दावर वन बाय आर इक्वल टू के ठीक है अब एक फॉर्मूला होता है ठीक है वो भी लिखो वो मैंने नहीं लिखवाया कितना नंबर फॉर्मूला आएगा मेरा यहाँ पर लिख देते हैं कहा लिखे यहाँ पर ऐड कर दे यहाँ पर लिख देते हैं देखो फॉर्मूला ये है कि ए टू दी पावर अगर x इक्वल टू वाई है तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू वाई टू दी पावर वन बाई एक्स क्या लिखा मैंने समझो अगर पावर को ट्रांसफर करना चाहते जैसे मान लो ऐसे है टू प्लस थ्री इक्वल टू अगर मान लो फाइव फाइव एक्स है ठीक है अब ये अः यहां मान लो थ्री एक्स है अब तुम लोग अगर एक्स को एक जगह पे लाना चाहते हो तो तुम लोग ये थ्री एक्स को इधर ट्रांसफर कर दोगे ये प्लस था तो ये माइनस हो गया सिमिलरली पावर ट्रांसफर भी होता है तो पावर जिस जिस बेस पे है अगर दूसरे बेस पे इक्वल के उधर दूसरे बेस पे पावर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसे वन बाई करना पड़ेगा ठीक है वन बाई करना पड़ेगा अगर हम लोग पावर को दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं तो वन बाई करना पड़ेगा तो इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे फिर से एक बार देख लो क्या करना है है. अगर हमें पावर को ट्रांसफर ठीक है, तो है? है मैंने एक साथ लिखवाया नहीं उस दिन उतना टाइम भी नहीं था और एक साथ लिखवाने से तुम लोग को ऐसा भी लगेगा बहुत फॉर्मूला अभी खुद ही सीख गए हो खुद ही ढूंढ ढूंढ के लिखना क्या लिखना पड़ेगा ठीक है तो अब देखो ये वाला हम लोग सीखे नया और एक फॉर्मूला अब इस बेसिस पे ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ठीक है अब मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर क्या लिखेंगे बोलो फिर के टू दी पावर क्या लिखेंगे हाँ पी लिखेंगे वाई इक्वल टू के टू दी पावर क्या लिखेंगे बोलो ये वन बाई है तो क्यू q ठीक है और जेड इक्वल टू के टू दावर ठीक है वन बाई करना पड़ेगा तो इधर आएगा तो के के पावर में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा है ना पावर इधर उधर होगा तो रिवर्स हो जाएगा मतलब पावर अगर टू थर्ड है इधर आएगा तो थ्री बाई टू हो जाएगा तो वन बाई पी है तो पी हो जाएगा पी है तो वन बाई पी हो जाएगा ठीक है बस इतना याद रखो तुम लोग को उतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं वन

के टू पावर क्यू और जेड का वैल्यू मेरे पास क्या है के टू पावर आर अब ये सब क्या लिखेंगे ये के सब एक ही तरह का बेस है इसको क्या लिख सकते हैं बोलो के सब एक ही तरह का बेस है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर ठीक है और वन का मतलब होता है समथिंग टू दी पावर जीरो पर क्या लिखे यहाँ पर समथिंग क्या लिखे ताकि ये p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू मुझे दे देगा थोड़ा सा सोचो यहाँ पर ही सोचना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड था अभी तक यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए ताकि मुझे पी प्लस क्यू प्लस आर मिल जाए मुझे जो प्रॉब्लम कर रहा है वो के कर रहा है तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि के मेरा एलिमिनेट हो जाए कैसे के एलिमिनेट होगा के तो लिखता होगा लिख देंगे अगर हम लोग यहां पर के टू दी पावर लिखते अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, कैसे किया? नीड के नीड क्या था, चाहिए। चाहिए प्लस, प्लस था कि एक्स टू दी पावर ए और वाई टू दी पावर अगर हम लोगों का बी होता है सॉरी एक्स टू दी पावर बी होता है तो एक्वल टू बी हो जाएगा अब यहां से क्या लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते

अगर ठीक है ये ये हमें तो एलिमिनेट करना है तभी तो हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया ना मतलब अगर तुम लोग और एक स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख लो ये वन है अब ये सिचुएशन था अब इससे कैसे सॉल्व करोगे के टू दी पावर पी प्लस क्यू आर इसको हमें क्या करना है इधर के पावर में ट्रांसफर कर देना है मैंने ऐसे कर दिया वन के पे मैंने इसे लिखा तब जाके मुझे तो 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 हम, हम का फॉर्मूला क्या बोला है कि अगर दोनों तरह से बेस को हमें इक्वल करना है तभी पावर इक्वल होगा तो बेस इक्वल है तो पावर पावर इक्वल होगा तो ये वन कैसे होगा क्योंकि पावर में तो वन है नहीं क्योंकि हम तो पावर इक्वल कर रहे हैं तो मुझे पावर

আমার আমার কথাটা শোনো কে টু দি জিরো টু ওয়ান তো তুমি যদি লিখে দাও এর পরে আবার তুমি যদি করো তাহলে তোমার লাভটা কি হলো এটাতে ট্রান্সফার করে তুমি যদি কে টু দি জিরোই লিখে দেবে এইটাকে কে তাহলে তাহলে এদিক থেকে কেটা তুলবে কি করে সেটা তো বলো আগে কথাটা শোনো তুমি কে টু দি জিরো টু ওয়ান লিখলে তাহলে তোমাকে তো এখানেও কে রাখতে হবে তুমি তো কে দুটোকে ইকুয়াল না করলে তুলবে কি করে তাহলে তো তোমার আবার সেটাই হয়ে গেল তাহলে তুমি আনসার করবে কি করে তুমি যদি কে টু দি পার জিরো ওয়ান লিখবে তাহলে তুমি এখান থেকে কে সরাতে পারবে না তুমি কে না সরালে পি প্লাস কিউ প্লাস আর কি করে লিখবে ম্যাম ওটা তো লিখবো আপনি যেমন বলছেন আমি বলছি সাইডে ব্যাকেট করে যেমন লিখে না সে একটার পরিবর্তে একটা ধরলে ওইটার কথা বলছি এটা তো ধরাধরি কিছু হচ্ছেই না আমি ওয়ানের এর জায়গায় এটাকে এই জন্য সাবস্টিটিউট করছি যাতে আমি এটাকে আনসার দিতে পারি এখানে তো আমি কিছু আমি তো কিছু এখানে অ্যাজাম্পশন নিই নি তো কিছু নিচ্ছি না আমি ওয়ান ওয়ানটাকে আমি কি লিখেছি ওয়ানকে আমি সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো লিখতে পারি তো ওয়ানকে আমি যদি সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো লিখতে পারি আমি সামথিং এ যা কিছু লিখতে পারি এটা তো আমার ফর্মুলা এবার আমি যা কিছু কি লিখবো আমি দুদিকে যদি কে লিখি তবেই তো মানে এলিমিনেট হচ্ছে তাহলে আমার আর এমনি তো এমসি কিউতে তো আর তোমাকে ওইগুলো লেখার দরকারই নেই প্রথম কথা তুমি যে ধরনের লেখাটা বলছো সেটা তো এখানে নিড নেই আর এটা এমনি তো লেখার দরকার নেই আমি ওয়ানের জায়গায় যদি এটাকে কিছু আমি প্রথম কথা এখান থেকে ডাইরেক্ট পি প্লাস কিউ কিউ প্লাস বের করতে পারবো না যদি আমি দুদিকটা ইকুয়াল না করি তাহলে আমার এটা পি প্লাস কিউ হবে আর ওইগুলো তো লেখার দরকার নেই এম সি কি আর ওগুলো লেখার দরকার আছে ওগুলো তো ওগুলো কি দরকার আছে ওগুলো तो यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा जीरो यानी कि ऑप्शन बी ठीक है तो मुझे बोलो क्या कोई डाउट है डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोच ले रहे हो उतना कुछ करना नहीं है देखो यहाँ पर उतना डिटेल्स में लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है एमसी है ना तो पहले हम लोगों ने के माना ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोपोर्शन में किया था और एक नया फॉर्मूला सिखाया मैंने वहां से हर एक जगह पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिया एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दिया और वहां से ये आ गया ठीक है और ये हो गया मेरा One. k टू दी पावर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू वन हो गया ठीक है अब यहाँ से हम p प्लस क्यू प्लस आर तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं तो मैंने क्या किया k टू दी पावर p प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ पर मुझे पता है कि दुनिया में कुछ भी टू दी पावर जीरो करने से वन हो जाएगा तो मैंने क्या चूज किया k चूज किया ताकि हम इस फॉर्मूले से दोनों साइड इक्वल कर पाए तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये हो गया ऑप्शन बी ठीक है थर्टीन का ऑप्शन बी अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हो थर्टीन का ऑप्शन बी अच्छा एक बार चेक कर लेते थर्टीन का ऑप्शन बी है कि नहीं हाँ थर्टीन का ऑप्शन बी है अब फोर्टीन नंबर देखो द वैल्यू ऑफ वाई टू दावर ए माइनस बी इंटू वाई टू दावर बी माइनस सी इंटू वाई टू दी पावर सी माइनस ए y वाई टू दावर माइनस ए माइनस बी है ठीक है और हम लोग को बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे पावर्स को ऐड कर दो वाई माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ये देखो ये ब्रैकेट में दे देते जब भी माइनस होगा ना ब्रैकेट में दे दो ताकि कोई डाउट ना रहे ठीक है तो यहां से हो गया वाई टू दी पावर ए माइनस बी ब्रैकेट ओपन बी माइनस सी ब्रैकेट ओपन सी माइनस ए ब्रैकेट ओपन माइनस ए माइनस बी ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट तो वाई टू दी पार माइनस ए माइनस बी हो गया अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है तो हम लोग देखो लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है तो कोई ना कोई एक ऑप्शन से तो जाएगा नन ऑफ दिस तो है नहीं ये माइनस कॉमन ले लो क्या हो गया ए प्लस बी अब इसको हम लोग और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते वन बाई वाई टू दावर ए प्लस बी ठीक है तो ये कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन डी वन बाई वाई टू दी पावर ए प्लस बी तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन था उससे भी किया था तो फोर्टीन नंबर का डी हो जाएगा देखो फोर्टीन नंबर का डी हो गया ठीक है मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है अगर है तो बताओ फोर्टीन नंबर का डी हो जाएगा फिफ्टीन फिर से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू है तो हमें चेक करना पड़ेगा पहला ऑप्शन ए ए में क्या दे रखा है देखो एक्स टू पावर टू बाई थ्री इक्वल टू थ्री एथ रूट ऑफ एक्स टू दी पावर टू ऐसे दे रखा है क्या ये ट्रू होगा वो हमें पता करना पड़ेगा ठीक है क्या ये ट्रू होगा कि नहीं होगा ये हमें पता करना पड़ेगा तो पता करते हैं x टू दी पावर टू बाई थ्री इक्वल टू इसको हम लोग क्या लिखेंगे टू होल टू दी पावर वन बाई थ्री क्यू क्योंकि अगर आर ए रूट ऑफ ए है तो ए टू दावर वन बाई आर होता है तो ये टू दी पावर वन बाई थ्री हो गया इस फॉर्मूले से ठीक है अब हम लोग दोनों साइड कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन हाँ तो मुझे तो बोलो। हाँ दोनों साइड इक्वल हो रहा है तो मुझे लगता है ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए फिफ्टीन का ऑप्शन ए हम लोगों का सही होना चाहिए और ये ऑप्शन ए ही सही है बाकी क्या सही नहीं है एक बार चेक करवा देते हैं बाकी सही नहीं होगा मेरा ऑप्शन ए ही जो है वो राइट आंसर होगा दो दो तीन तीन राइट आंसर तो हो नहीं सकता ये एमसी है तो सेकेंड वाला दे रखा था टू थर्ड एक्स टू दी पावर टू थर्ड इक्वल टू ऐसे दे रखा है ऐसे ठीक है ऐसे दे रखा है ये एक्स क्यूब दे रखा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे टू थर्ड इक्वल टू एक्स टू दी पावर थ्री यहाँ कुछ नहीं है मतलब टू है तो वन बाई टू तो ये कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा x टू दी पावर थ्री बाई टू तो फिर ये इक्वल तो नहीं हो सकता है ये इक्वल नहीं हो सकता है तो ऑप्शन भी हम लोग का इसी वजह से गलत है ठीक है ऑप्शन सी देखो इस पे भी चेक करते हैं x टू दी पावर टू थ्री ऑफ ये ठीक है अभी ये सॉल्व किया था ये तो इक्वल आ रहा है तो ग्रेटर तो आएगा नहीं कॉमन बात है अगर ये ऐसे सॉल्व किया था तो ये ग्रेटर कैसे आ सकता है ये तो होगा नहीं तो फिर ये भी ऑप्शन हम का गलत है इसका मतलब फिर दूसरा जो डी दे रखा है वो भी चेक करवा देते हैं देखो एक्स टू दी पावर टू थर्ड लेस देन

ए हो जाएगा ठीक है फिफ्टीन का ए ऑप्शन हो जाएगा अच्छा अब चलो सिक्सटीन वाला करके देखते हैं सिंप्लीफाइड वैल्यूडीन टू दी पावर एक्स टू दी पावर माइनस बाई थ्री इंटू वाई टू दावर टू इन टू एट इन टू एक्स टू दी पावर एट टू दी पावर माइनस वन दे रखा है पावर थ्री वाई टू दावर माइनस टू ये क्या होगा ये पूछ रहा है मल्टीप्लीकेशन दे रखा है ठीक है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं ये देखो अलग अलग तरीके से कर सकते हो अब इसमें क्या होगा तुम लोग का दिमाग अलग अलग तरीके से चल सकता है लेकिन हम बोलेंगे सबसे आसान तरीका क्या है वैल्यू वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो मतलब वैल्यू वैल्यू को एक जगह लिख लो ऐसे करके ठीक है बाकी चीजों का अगर एक जगह लिखोगे तो तुम लोग को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस थ्री इंटू एक्स टू दी पावर थ्री और वाई टू दी पावर टू इंटू वाई टू दी पावर माइनस टू ये लिखने का भी जरूरत नहीं होता है लेकिन फिर भी मैंने लिख के दिखाया एक बार ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए रीज से जल्दी नहीं हो सकता है ठीक है 16 ये हो गया पावर टू माइनस 2 ठीक 2, है ये मल्टीप्लीकेशन है तो पावर एड ऑन हो गया ये 2 आ गया यहाँ पर कैंसिल आउट यहाँ कैंसिल आउट और ये 0 0 मतलब 1 हो गया 2 इंटू x टू दी पावर 0 इंटू y टू द पावर 0 टू इंटू वन इंटू वन यानी कि टू ठीक है यानी टू हो जाएगा एक बार ऑप्शन हम चेक कर ले सी सिक्सटीन का बोल रहा है कि सी ऑप्शन है और ये देखो काफी आसान है इससे जल्दी कर नहीं सकते हो इससे मतलब अगर तुम लोग इसको माइनस वाले फॉर्मूले में ट्रांसफर करोगे कर सकते हो उसमें भी हो जाएगा लेकिन अगर माइनस वाले फॉर्मूले में गलत हो सकता है जबकि इसमें बिल्कुल गलत नहीं होगा ठीक है वैसे इसमें भी हो जाएगा अगर ऐसा करना चाहते हो सिक्सटीन इंटू वन बाई एक्स टू दी थ्री y टू दी पावर टू वन बाई एट इन टू एक्स टू दावर थ्री वाई टू दी पावर टू तो क्या नहीं होगा होगा क्यों नहीं होगा ये भी हो जाएगा ये भी काफी जल्दी होगा ये देखो ठीक है मैंने यहाँ तो बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं अगर नहीं लिखते हैं तो इसमें भी जल्दी होगा ठीक है तो ऐसे करके भी कर सकते हो ये माइनस वाले को नीचे ट्रांसफर कर दो यहाँ पर तीन माइनस है यहाँ एक है यहाँ एक है यहाँ एक है इसको वन बाई रिवर्स कर दो कैंसिल आउट होकर तुम लोग को टू आंसर मिल जाएगा तो इस तरीके से अगर कोई किए हो तो भी ठीक है कोई गलत नहीं है ठीक है तुम लोग को सही फॉर्मूला यूज करने से मतलब है तो आंसर टू आ जाएगा ठीक है आंसर टू आ जाएगा तो बोलो इसमें कोई डाउट है थ नंबर तक कोई डाउट है नो no, मैम चलो फिर सेवेंटीन नंबर में सेवेंटीन नंबर भी काफी आसान है ये भी जल्दी होगा बोला है वैल्यू ऑफ एट बाई ट्वेंटी सेवन होल्ड टू दावर माइनस वन थर्ड एगेन बोल रहा है थर्टी टू बाई टू फोर्टी थ्री होल्ड टू दावर माइनस वन बाई फाइव ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए बोला है हमें तो कैसे करने से जल्दी सॉल्व होगा वो हम लोग को सोचना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो ये है एट ये है ट्वेंटी सेवन तो एट जो है ना वो टू का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन जो है वो थ्री का क्यूब होता है तो हम ऐसे करेंगे इससे जल्दी होगा टू टू दी पावर थ्री थ्री टू पावर थ्री पावर माइनस वन बाई थर्ड और टू टू दी पावर फाइव होता है. अब देखो, मुझे आदत है तो अब कर ले रहे बना सकते हो ना तो टू फोर्टी थ्री का कैसे होगा देखो दो बार तीन मतलब थ्री इन टू थ्री दो तीन चार पांच फाइव टाइम्स ये भी फाइव टाइम्स में होता है ठीक है अब तुम लोग को कैसे पता चलेगा थ्री से ही होगा वो तो सिंपल है ना भाई टू फोर्टी थ्री नॉट डिविजिबल बाई टू देन सेकेंड शॉर्टेस्ट वैल्यू थ्री तो फिर थ्री से करो ठीक है देखो टू से स्टार्ट करना चाहिए लेकिन टू फोर्टी देन हमें थ्री का अप्रोच लेना पड़ेगा अब इसको कैसे लिखेंगे कंसाइज कर दिया ये हो गया ठीक है अच्छा अब पावर पावर मल्टीप्लाई कर दो ये ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है तुम लोग डायरेक्ट वन कर सकते हो ठीक है हम तो अपने प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को इस तरह से करवा देते हैं ठीक है ये देखो ताकि तुम लोग मेरे साथ साथ लिखोगे तो तुम लोग का फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये थ्री थ्री कैंसिल होके कितना हो गया वन ठीक है ये माइनस वन अब ये वन है ये माइनस वन है अब क्या तुम लोग इसको 1 करोगे टाइम टेकिंग होगा अगर बेस बराबर है तो पावर प्लस हो जाता है टू बाई थ्री, वन, वन ठीक है तो ये जीरो हो जाएगा. टू बाई थ्री होल टू दी पावर जीरो यानी कि वन हो गया ठीक है समथिंग टू दी पावर जीरो वन ये बोल बोल के याद करो समथिंग टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा तो सेवेंटीन का आंसर ए हो जाता है तो है one by three टा तो minus है चे ओ one by three टा minus है अच्छा तब तो गलत हो गया तब यहाँ पर ये फिर minus हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तब तो zero नहीं होगा तब मेरा answer tally भी नहीं होता देख ले एक बार answer कितना होगा तब तो minus two होगा आंसर देखे कैसे दे रखा है आंसर तो वैल्यूज में दे रखा है अच्छा ठीक है तो फिर इसको कैसे लिखेंगे वन ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया फोर बाई नाइन और इसको अगर रिवर्स कर लेते हो तो नाइन बाई फोर हो जाएगा शायद नाइन बाई फोर देखा मैंने हाँ है ऑप्शन ए चेक करें एक बार ऑप्शन हाँ ऑप्शन ए सही आंसर ऑप्शन ए है हाँ देखो गलत हुआ था मेरा क्या गलत हुआ था मैंने यहाँ माइनस जो है यहाँ तक लिखा इसके आगे मतलब हटा दिया बाई चांस गलती से ठीक है माइनस लिखो माइनस लिखने से तुम लोग का कटेगा नहीं कटने से जीरो आ जाता है वो वैल्यू अलग हो गया फिर माइनस होने से टू हो जाएगा ठीक है बाकी सारे कैलकुलेशन सही है टू हो जाएगा टू होने से ये फोर बाई हो रहा है और इसको रिवर्स कर दो नाइन बाई फोर वन बाई फोर बाई 9, तो आंसर जो मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद नाइन बाई फोर यानी ऑप्शन ए सेवेंटीन का ऑप्शन ए हो जाएगा ये भी देखो ज्यादा कुछ टफ नहीं है अब तुम लोग को सिंपल ही लगने लगेगा धीरे धीरे ट्राई करोगे ना तो तुम लोग को आसान लगने लगेगा इतना भी टफ नहीं लगेगा अच्छा एटीन वाला कर ले एटीन वाला x प्लस वाई टू दी पावर टू थर्ड फिर क्या बोला है x माइनस वाई टू दी पावर टू थर्ड अब फिर डिवाइड दे रखा है डिवाइड रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई और रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वाई लेकिन यहां पर कुछ अलग और लिखा हुआ है देख लेते हैं, ये होल टू दी पावर थ्री इसमें थ्री लिखा हुआ है इसमें थ्री लिखा हुआ है ठीक है और पूरा होल्ड टू दी पावर सिक्स ऐसे दे रखा है क्वेश्चन ठीक है ये देखो कैसे पढ़ोगे ये ब्रैकेट के बाहर सिक्स है मतलब ये पूरे ये पूरे पूरे डिवाइड के ऊपर का पावर दे रखा है ठीक है पूरे के ऊपर का पावर दे रखा है और अंदर जो भी डिजिट्स है वो कुछ इस तरह से है तो मैंने उस तरह से लिख दिया ठीक है अब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर हम लोग पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं देखो पावर अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला तुम लोग सीख रहे हो तो इसके ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिर नीचे भी उसी तरह से कर सकते हो या फिर इसको पहले चेंज कर लेते वैसे कर लेते चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही बता देते नहीं तो तुम लोग अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो ये रहा ये जैसा था वैसा लिखा ठीक है x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं वन बाई टू क्योंकि रूट अगर कुछ नहीं है तो वन बाई टू ठीक है और इसको क्या लिखेंगे माइनस क्यूब जो ये तो क्यूब जो था तो वो था ही और इसमें भी वन बाई टू, ऐसे हो गया और ये होल टू दी पावर सिक्स हो गया ठीक है होल टू दी पावर सिक्स तो मैंने क्या किया देखो ऊपर में गिवन क्वेश्चन के तरह ही लिखा है नो no चेंज बस इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया और इसको भी मैंने ट्रांसफर किया बाकी जैसा था वैसा लिखा है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने बाकी वैसे ही किया है अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या है प्लस वाई है प्लस वाई है अब इसको तुम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हो या तो तुम लोग इसको ऐसे वाले फॉर्मूले में डाल सकते हो कि एक्स बाई एक्स टू दी पावर एम टू दी पावर एन तो एक्स टू दी पावर एम माइनस एन ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो इस पे या फिर ये सिक्स को पहले सब जगह पे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी चलेगा तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर टू थर्ड इंटू सिक्स ठीक है फिर x माइनस वाई होल्ड टू दी पावर टू थर्ड इन सिक्स ठीक है और ये सिक्स नीचे भी चला जाएगा क्योंकि डिवाइड फॉर्म में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा देन मल्टीप्लीकेशन में भी होगा तो इसलिए मैंने एक स्टेप जम्प किया देखो यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले ये डिवाइड फॉर्मेट में इस पे आ जाएगा फिर इस पे आ जाएगा और देन इस पे भी इंडिविजुअली जाएगा मैंने वो स्टेप जम्प करके पूरा हर जगह पे सिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिक्स हमारा यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता पहले डिवाइड फॉर्म में ऊपर और नीचे फिर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में मैंने उसी चीज को जस्ट एक लाइन स्किप करके एक ही बार में करके दिखा दिया और ये देखो ये थ्री उसके पावर में हाफ और उसके पावर में सिक्स ठीक है अब इसको चेक करो कितना हो जाएगा ये फोर हो गया ये भी फोर हो गया ये थ्री हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई करने से नाइन हो जाएगा ठीक है अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक्स प्लस वाई होल टू दावर फोर माइनस थ्री ठीक है ये वाला फॉर्मूला एक्स टू दावर वाई माइनस फोर माइनस नाइन ठीक है तो ये कितना लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल टू पावर वन और x माइनस वाई होल टू दावर माइनस थ्री ठीक है तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं माइनस थ्री वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं एटीन का एक मिनट देख लेते कुछ तो गलत हो गया शायद मेरा 18 का आंसर सी होगा X प्लस y होगा अच्छा ये थ्री तो होगा नहीं मैंने वैसे गलत किया यहाँ पर माइनस लेकिन फिर भी आंसर तो नहीं आ रहा है ये माइनस फाइव होगा कुछ तो गड़बड़ हो गया है देखते हैं या फिर क्वेश्चन में देख लेते एक मिनट रूको चेक करते हैं ये हो गया टू थर्ड ये हो गया टू थर्ड ये वन बाई टू ये हो जाएगा थ्री बाई टू थ्री बाई टू इंटू सिक्स मतलब नाइन इसका आंसर एटीन का आंसर सी है एटीन का आंसर सी है एक्स प्लस वाई है अच्छा तो ये क्या जीरो आना चाहिए तब जाके होगा ये जीरो आना चाहिए तभी जाके पॉसिबल है थ्री ये थ्री आना चाहिए ये वन बाई थ्री होने से हो जाएगा नहीं तब भी तो नहीं होगा तब टू होगा ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा गलत है ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ये वाला लग रहा है नहीं ये कंफर्म है कि यहाँ पर थोड़ा सा गलती है मुझे भी याद नहीं आ रहा है इस इसपे क्या रेक्टिफाई होगा इसके बाद एक दो क्वेश्चन ना गलत है मुझे देखना पड़ेगा एक बार क्या होगा क्योंकि मुझे यहाँ तो नहीं लग रहा है मेरा कोई भी गलती मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने कोई कैलकुलेटिव गलती किया है बट हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है ये थ्री जो है इसके बाहर है या फिर इसके अंदर है वो देखना पड़ेगा मतलब होल टू दी पावर थ्री ये मैंने तो इसके अंदर लेके ही किया है तो ये थोड़ा सा डाउट रहेगा

तो ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से क्या हो रहा है ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करके लॉगरिदम करेंगे ठीक है तो लॉगरिदम स्टार्ट कर पाएंगे जब तक नहीं नहीं होता है लॉगरिदम भी स्टार्ट नहीं कर पाते और ये वाला जो है ना कुछ ना कुछ डाउट है अगर अभी मुझे टाइम मिलता है अभी देख के हम तुम लोग को जो है व्हाट्सएप में बता देते हैं कि क्या लिखने से सही होगा ठीक है अगर होता है तो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जरूर बता देंगे बाकी तुम लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देखो कि कौन सा तुम लोग का हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं